गुड इवनिंग स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम अकेडमी चैनल पर और आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी यानी है जैव विविधता ये टॉपिक हमारे राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है बट राजस्थान के संदर्भ में जो चीज़ें हैं राजस्थान के अंदर जो टाइगर रिजर्व है या राजस्थान के अंदर नेशनल पार्क है राजस्थान के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ और दो तीन बार पढ़ा चुका हूँ एक बार भी नहीं तो उन सब चीज़ों को तो अपन नहीं दोहराएंगे लेकिन जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है बायोडाइवर्सिटी अजय विविधता उससे जुड़े हुए जितने भी मुद्दे उनको देखेंगे ये टॉपिक है मेन्स के कंपेरिजन में प्रलिम्स के लिए ज़्यादा रिलिवेंट है तो हम लोग इस लो, इस टॉपिक को हम लोग प्रलिम्स के हिसाब से या प्री के हिसाब से ज़्यादा कवर करेंगे ना तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वैसे इसकी ज़्यादातर चीज़ें मैंने बताई है आपको लेकिन मैं दोहराऊंगा उनको ऐसी कोई बात नहीं है तो कोशिश करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी में आपको कुछ पढ़ना

मॉर्निंग में जैसे ही ऑफिस खुलेगा तो मैं डलवा लूंगा ये सेशनस और ये बेटल सीरीज जो है ये वेंडसडे को रहेगी आपकी यूट्यूब के सेशन हम लोग सात बजे करेंगे आज से शेड्यूल हो नहीं पाया था मेरे को ध्यान भी नहीं रहा कि दस बजे यहाँ पर आपको प्ले स्टोर में जाकर अनकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है उसके बाद आपको यहाँ स्टेट पीएससी का ऑप्शन मिलेगा देन आरपीएससी का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं डेली लाइव टेस्ट मिलते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड टोलिया टेन कोड यूज करके अनलिमिटेड एक्सेस है यहाँ पर आपको फ्री में भी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है प्लस पे भी है यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस है अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट है अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स है रेगुलर डाउट सेशन है ये सब अवेलेबल होते हैं यानी अकेडमी के प्लस फीचर के साथ आप घर बैठे कंफर्ट जोन के अंदर कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं टॉप एजुकेटर्स के मेंटरशिप और गाइडेंस में विद आंसर राइटिंग सेशन विद स्टडी मटेरियल विद लाइव टेस्ट इन सब के यहाँ पर सब्सक्रिप्शन चार्जेस वन ईयर का सेवन थाउजेंट है टू ईयर का एट थाउजेंड फोर हंड्रेड है टेन कोड यूज करेंगे तो टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा वन ईयर के लिए आप सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड में टू ईयर के लिए आप सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी में एनरोल कर पाएंगे यहाँ पर वन ईयर के लिए एनरोल करते हैं तो आपको थ्री मंथ का एडिशनल बेनिफिट मिलता है टू ईयर के लिए एनरोल करते हैं तो आपको फोर मंथ का एडिशनल बेनिफिट मिलता है ये कुछ बेचेस भी हैं जिनको भी आप जो इन टेस्टिमोनियल से ही आप देख सकते हैं इसके अलावा बेचेस हैं एक अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है, एक फोर्थ ऑफ अक्टूबर को हुआ है एक सिक्स ऑफ अक्टूबर को हुआ है एक सेवन्थ ऑफ अक्टूबर का हुआ है तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी है वो लेकर के भी आप प्रेपरेशन कर सकते हैं एक सब्सक्रिप्शन में राजस्थान से जुड़ी सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जे विविधता है वन्य सी देखो बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ अब वीडियो का सिलेबस मैंने चौधरी शाह देखा नहीं है लेकिन मुझे ये पता है कि ये आरएस में है वीडियो में है या नहीं है उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है चलो आगे स्टार्ट करें हम्म देखो यहां पर हम लोग जे विविधा मैंने जीव आपके एलेवंथ क्लास की बुक में भी दिया हुआ बी में लेकिन ज़्यादा उस पर माथाफोड़ी नहीं करनी है इसलिए नहीं करनी है कि ये मेन्स के हिसाब से तो उस तरीके से ज़्यादा रिलीवेंट है नहीं टॉपिक ट्रिम्स के हिसाब से ज़्यादा रिलीवेंट है और इसमें मेन्स के हिसाब से उस तरीके से चीज़ें ज़्यादा दी हुई भी नहीं है थोड़ी क्लिष्टता भी करी हुई लैंग्वेज की तो मैं जो पढ़ाऊँ उस पर ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा तो वैसे बुक मैं मैं तो ध्यान रखता ही हूँ कि उसके अंदर क्या है फिर भी कुछ चीजें जहां पर आप कर सकते हो तो मैं बताऊंगा कि आपको ये चीजें करनी चाहिए ची। तो मैंने उसको बिल्कुल टाइप वो इसमें लिखवाया है तो आप ये चीजें हैं उसमें लेकिन उतना मैं कह रहा हूं जितना आप टाइम लगाओगे ना उसकी उसकी वर्थ नहीं है उतनी तो ज्यादा टाइम खराब करना नहीं है आपको कहीं जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां मैं आपको बता दूंगा कि ये दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है ठीक है स्टार्ट करते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी है जे विविता देखो बायोडाइवर्सिटी या जैव देखो आपको ये तो है ना पर्यावरण है परिस्थिति की किसे बोलते हैं इकोलॉजी किसे बोलते हैं कल समझाया था और कल मैंने आपको यह भी बताया था कि जैव विविधता क्या होती है जैव विविधता का मतलब होता है जीवों की विविधता जीवों की विविधता मतलब प्रकृति पर प्रकृति एनिवल पृथ्वी पर जो भी जीव पाए जाते हैं उनकी जो भी विविधता है जीव मतलब पादप और जंतु वो कंप्लीट जो है वो जैव विविधता कहलाएगी

जैविक घटक उनकी विविधता जैविक घटक मतलब जिसके अंदर जीवन है उनकी विविधता जीवन किसमें है तो पादप एंड जंतु यानी जानवर इन दोनों के अंदर जीवन होता है तो ये इनकी जो पादपों और जंतु की जो संपूर्ण विविधता है जो संपूर्ण विविधता है उसे है जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं ये ध्यान रखना है देख यहीं पे यही चीजें लिखी होगी पादप एवं जंतु दोनों सम्मिलित होते हैं तो पहले ही बता दिया मैंने आपको कि पादप और जंतु दोनों इंक्लूड रहते हैं इसके अंदर जहां पर इनकी संख्या ज्यादा होगी वहां जैव विविधता ज्यादा होगी जहां संख्या कम होगी वहां पर जैव विविधता कम होगी यही सारी कहानी है इसको मेजर करने का क्योंकि प्रलिम्स का टॉपिक है इसलिए ज्यादा मैं भूमिका में टाइम नहीं लगाऊंगा आपका खराब नहीं करूंगा सीधा जाते हैं लोग तो किस तरीके से पिछली बार अल्फा बायोडाइवर्सिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा था जो मापन या मेजरमेंट होता है उसके बारे में कि इसको क्या बोलते हैं अल्फा बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं बेटा बोलते हैं गामा बोलते हैं वो भी दिया हुआ है है की बुक में दिया लेकिन वो वो शॉर्ट में दिया हुआ है तो देखो जैव विविधता जो है उसके प्रकार कितने होते हैं एक होती है हमारे पास में आनुवंशिक विविधता ये आपके में भी दिया हुआ है एक आपके प्रजातीय होती है और एक पारिस्थितिकी होती है यानी जैव विविधता के तीन प्रकार होते हैं बायोडायवर्सिटी के तीन प्रकार होते हैं एक होती है हमारे पास में अनुवांशिक याद करो आपको राजस्थान पढ़ाया तब भी बताया मैंने दूसरा मैंने आपको बताया प्रजातीय स्पीसीज डाइवर्सिटी और तीसरी मैंने आपको बताई थी पारिस्थिति की विविधता पारिस्थितिकी की विविधता तीन तरह की होती है इसके प्रकार देखें तो एक तो अनुवांशिक विविधता होती है

गाय है तो गाय के सारी गाय विश्व स्तर पर या वर्ल्ड लेवल पर एक जैसी तो नहीं होती ना उनके अंदर भी तो भिन्नता होती है तो वो जेनेटिक लेवल पर है जैसे मनुष्य मानव हम और चीनी लोग एक जैसे थोड़ी होते हैं या दक्षिण और उत्तर के भारत के लोगों में भी अंतर होता है तो अलग आप अलग आप देखोगे अलग अलग क्षेत्रों में और हम लोग एक घर में पांच लोग होते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते तो कुल मिलाकर के जेनेटिक या हम कह सकते हैं कि जो अनुवांशिक स्तर पर जो विविधता होती है कोई समुदाय है उसके अंदर एक प्रजाति है उस प्रजाति के जेनेटिक स्तर पर नाम से क्लियर आनुवांशिक स्तर पर विविधता जितनी अधिक होती है जैसे कोई भी प्रजाति है उसमें आनुवांशिक स्तर पर जितनी ज्यादा विविधता होती है उस प्रजाति का सर्वाइवल उतना अच्छा होता है क्यों अच्छा होता है क्योंकि देखो जितनी जैसे मान लेते हैं कि चावल है और उसकी एक ही किस्म है तो इसका मतलब है कि उसकी लेवल पर जो डाइवर्सिटी है या विविधता है वो बहुत अच्छी नहीं है आवाज आ रही है ना आपको हाँ गुड इवनिंग सभी को आवाज तो आ रही है ना या मैं ऐसे ही भाषण दे रहा हूं तो जैसे एक चावल की किस्म है और उसकी मान लो कि एक ही प्रजात एक ही मान लो कि उसकी स्पीसीज में एक ही प्रकार है तो उसके अंदर आप देखोगे एक ही टाइप की किस्म है तो उस कंडीशन में आप देखोगे कि मान लो कि थोड़ा बहुत भी यदि कुछ बदलाव हुआ प्रकृति में जो कि स्वाभाविक है प्राकृतिक कारणों से भी हो सकता है मानव जनित कारणों से भी हो सकता है उस कंडीशन में यदि वो विलुप्त हो गई तो फिर चावल की किस्म पूरी चलेगी चावल प्रजाति चलेगी स्पिसी चली गई तो इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा उसके जेनेटिक लेवल पर विविधता होती है मान लेते हैं कि चावल पांच सौ किस्में है। तो 500 सौ किस्में है यदि इसका मतलब है कि उनके जेनेटिक लेवल पर डिफरेंस है तो यदि एक किस्म किसी विशेष वातावरण में रह सकती है तो दूसरी किसी दूसरे वातावरण में रह सकती है तो यदि किसी भी प्रकार का बदलाव होता है प्राकृतिक कारणों से या मानव जनित कारणों से उस कंडीशन में पूरा चावल खत्म नहीं होगा ऐसी किसी जंतु पर लागू हो सकता है या कि, किसी अन्य पौधे पर लागू हो सकता है तो यह अनुवांशिक विविधता जितनी ज्यादा होगी किसी भी प्रजाति की हम कह सकते हैं कि स्थिरता या उसका बने रहने की जो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी होगी वो अधिक होगी इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए कि आनुवंशिक विविधता मतलब जेनेटिक लेवल पर जो विविधता है नाम से काम चलेगा पीएचडी नहीं करनी प्रजातियां जो है जो है उसको बोलते हैं स्पीसीज के लेवल पे डाइवर्सिटी मतलब ये समझ लो आप समुदाय है उसमें अलग-अलग प्रजातियां ले लो आप दो अलग अलग प्रजातियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता दो अलग अलग प्रजातियों को कंपेयर कर लो जैसे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है उसके कंपेयर कर लो या यूं कह लो कि जैसे उबेचर होते हैं उबेचर होते हैं ना उन में या जैसे जलचर होते हैं समुद्र में रहने वाले जीव हैं उनके बीच में आप विविधता ढूंढ लो तो एक मतलब कि कि हम कह सकते हैं हैं दो विभिन्न प्रजातियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता इसको बोलते डाइवर्सिटी इस इस और परिस्थिति की विविधता एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले समुदाय में पाई जाने वाली संपूर्ण विविधता कंप्लीट डाइवर्सिटी है उसे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी या परिस्थिति की विविधता कहते हैं जेनेटिक लेवल पर नाम से क्लियर है अनुवांशिक स्तर पर पाई जाने वाली विविधता अनुवांशिक विविधता प्रजाति स्तर पर दो प्रजातियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता और की विविधता मतलब एक तंत्र या एक भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाले सभी प्रकार की विविधता कंप्लीट डाइवर्सिटी उसे पारिस्थितिकी विविधता कहते हैं सभी प्रकार की विविधता कंप्लीट डाइवर्सिटी है उसे कहते हैं तो जेनेटिक मतलब जीन के स्तर पर अनुवांश स्पेशीज मतलब दो प्रजातियों के मध्य पारिस्थिति की विविधता दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है ऐसा नहीं कि दो है। बट परिस्थिति की, की उसको हम लोग बोलते हैं विविधता तो नाम से क्लियर देखो एक देख। एक ही एक ही समुदाय के जीवों के के प्रजाति जीवों जीन में परिवर्तन होने से जो विविधता है उसकी बात है गेहूं की चावल की दो किस्मों में मिलने वाली विविधता प्रजाति विविधता जैसे जैव विविधता को व्यक्त करने वाला व्यापक स्तर विभिन्न प्रजातियों के मध्य मिलने वाली विविधता स्पीसीज के मध्य ितंत्र किसी भौगोलिक क्षेत्र में जीवों में कुछ ऐसे लक्षणों का समावेश है जो उस क्षेत्र के लिए आवश्यक हो मतलब तो उस क्षेत्र की पूरी विविधता है तो ये किताबी भाषा है लेकिन आपको समझना है कि उसी समुदाय में उस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले समुदाय की संपूर्ण विविधता परिस्थिति की विविधता कहलाती है यहां तक मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी ये मेजर करने के तरीके हैं अब देखो सॉरी ये प्रकार है अब मेजर करने के तरीके होते हैं तीन पिछली बार आर एस फ्री में यह क्वेश्चन यहां से पूछा गया था कि अल्फा बायोडाइवर्सिटी बीटा बायोडाइवर्सिटी या गामो बायोडाइवर्सिटी के बारे में इस बार भी पूछा जा सकता है जैसा नाम में उतनी मुश्किल नहीं है समझने की कोशिश करनी है ठीक है अब देखो अल्फा विविधता का क्या मतलब है जैसे अपन ने एक पारिस्थितिकी तंत्र है एक भौगोलिक क्षेत्र है ऐसे समझ लो उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र या इकोलॉजिकल सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं तो उस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जो विविधता है उसे अल्फा विविधता के नाम से जानते हैं मतलब एक क्षेत्र विशेष या भौगोलिक भौगोलिक क्षेत्र की जो विविधता है उसे जानेंगे जैसे एक निश्चित पारितंत्र या समुदाय में मिलने वाली जैव विविधता उसको क्या बोलेंगे अल्फा एक विशेष क्षेत्र में या एक विशेष पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता को अल्फा बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं तो ये अल्फा हो गई एक इकोलॉजिकल एक एक सिस्टम है अब देखो हम लोग देखते हैं कि एक इकोलॉजिकल सिस्टम ये हो गया या एक समुदाय ये है या भौगोलिक क्षेत्र है दूसरा यह तो इनकी बायोडाइवर्सिटी अलग होगी इनकी अलग होगी एक मान लेते हैं कि इस तरीके से और है। तो इस तरीके से अलग अलग सिस्टम है उनमें जो अलग अलग स्पीसीज अपने उस वातावरण के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट किए हुए हैं अब क्या होगा कि यहां जो प्रजातियां रहती है समय के साथ ही यहाँ के वातावरण में परिवर्तन होगा हो सकता है मानव जनित कारणों से भी हो सकता है प्राकृतिक कारणों से भी हो सकता है तो इसमें कुछ भी यदि बदलाव एक एक दो दो लाइन में याद रखना है प्रलिम्स के लिए तो यहां से इसमें यदि कुछ भी बदलाव हो तो उस कारण से जो कुछ प्रजातियां हैं वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगी यानी अपने आप को अनुकूलित करने की कोशिश करेगी और फिर इसके कारण से ही इसमें जो बदलाव हुआ है उसके कारण से वो दूसरे क्षेत्र की तरफ मूव करेंगी या दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र की तरफ ऐसे समझ लो आप यानी माइग्रेशन होगा उनका तो एक ही लाइन में याद रखना है कि बीटा बायोडाइवर्सिटी मतलब माइग्रेशन उसमें यह शब्द मिलेगा ही मिलेगा यदि प्रलिम्स में पूछा जाएगा तो मतलब जिन प्रजातियों का किसी भी प्रकार के बदलाव के कारण से माइग्रेशन हुआ है या प्रवसन हुआ है किसी प्रवसन को या माइग्रेशन को बीटा बायोडाइवर्सिटी के रूप में जानते हैं बीटा बायोडाइवर्सिटी के रूप में जानते हैं जैसे ये हमारे पास भौगोलिक क्षेत्र है या एक परिस्थिति तंत्र है इसकी अपनी बायोडाइवर्सिटी अल्फा है तो यहां पर बहुत सारी स्पीसीज है मान लो कि किसी कारण से बदलाव आया तो उसके अपने आप को अनुकूलित करने की कोशिश करेगी कुछ उनमें बदलाव भी होगा और फिर क्या करेंगी ये इस क्षेत्र से इस क्षेत्र से किसी अन्य क्षेत्र की तरफ या इस परिस्थिति की तंत्र से किसी अन्य पारिस्थिति की तंत्र की तरफ मुंह करेंगी तो इस कंडीशन में क्योंकि अपने आप को उन्हें अनुकूलित करना है तो यहां से कुछ का माइग्रेशन होगा या प्रवशन होगा जो उनका माइग्रेशन या प्रवशन होता है उसे बीटा बायोडाइवर्सिटी बोलता है तो एक ही लाइन में याद अल्फा का मतलब एक ही क्षेत्र विशेष की बीटा मतलब प्रवशन मतलब माइग्रेशन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने वाली इतना ही याद रखना इससे ज्यादा कुछ नहीं करना तो देखो बीटा मतलब किसी वर्ग भाग में स्थित दो या अधिक समुदाय के मध्य विस्थापित होने वाली प्रजातियों की संख्या मतलब माइग्रेट जो करती है तो बिटा जहां होगा वो माइग्रेशन शब्द होगा विस्थापन शब्द होगा ये ध्यान रखना बस तीसरी बात होती है गामा बायोडाइवर्सिटी अपने को पीएचडी करनी नहीं है गामा बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जैसे हम संपूर्ण विविधता जैसे हम पूरी पृथ्वी को एक एक इकोलॉजिकल एक सिस्टम मान लें तो इस पूरी पृथ्वी की विविधता को क्या बोलेंगे गामा विविधता बोलेंगे तो इसमें इस तरीके से फॉर्मूले भी होते हैं जैसे अल्फा प्लस बीटा माइनस सी मतलब अल्फा अलग अलग इकोलॉजिकल सिस्टम है उनकी डाइवर्सिटी फिर कुछ दूसरे क्षेत्र में जो माइग्रेट कर गए उनकी भी फिर इन दोनों में कुछ कॉमन है उसको माइनस कर देते हैं तो सी ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं इनको आप छोड़ दो एस वन प्लस एस टू माइनस सी ये छोड़ दो आप। आपको इतना ही ध्यान रख लेना है कि संपूर्ण जो विविधता है यानी पूरी पृथ्वी को एज अ होल मान लो आप जितनी भी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है उसे गामा डाइवर्सिटी के रूप में से जानते हैं किताबों में अलग अलग तरीके से लिखा होगा लेकिन आपको ध्यान रखना है अल्फा बायोडाइवर्सिटी मतलब एक पारिस्थिति की तंत्र की विविधता बीटा बायोडाइवर्सिटी मतलब एक पारिस्थिति की तंत्र से दूसरे पारिस्थितिक तंत्र की तरफ जो प्रवर्शन हुआ है या विस्थापन हुआ है या माइग्रेशन हुआ है वो डाइवर्सिटी और गामा का गा मतलब है संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों को यानी सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को मिला लो उनकी जो कंप्लीट डाइवर्सिटी है उसे गामा डाइवर्सिटी के रूप में जानते हैं बस दैट्स इट तीन प्रकार की मेजरमेंट होता है अल्फा एक पारिस्थितिकी तंत्र की बीटा एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र की तरफ माइग्रेशन और गामा का गा मतलब हो गया कि कंप्लीट अपन एज अ होल पूरी पृथ्वी की ले लो तो वो गामा बायोडाइवर्सिटी हो जाएगी क्लियर है यहां तक समझ आ गई होगी बात बस इन्हें एक एक लाइन में ध्यान रखना है इनका किताबों में उलझोगे तो बहुत टाइम खराब होगा आपका कुछ करना नहीं है इस तरीके का कुछ फॉर्मूला होता है दिमाग में ऐसे रख लेना की सर ने बताया था अल्फा प्लस बीटा माइनस सी ऐसे इंपोर्टेंस में अब मैं नहीं लगता कि आपको कहानी सुनाई जानी चाहिए जैव विविधता का महत्व क्या है जो कुछ है कोई भी यदि अच्छा काम लिखा हो ना वो जैव विविधता का महत्व होता है लेकिन ये मत कर देना कि चांद पे ले जाते हैं या शादी करवा देते हैं या बच्चा पैदा हो जाता है वो मत लिख देना बाकी जितने भी है जैसे अनुकूलन में इसके अलावा जैसे खाद्य पदार्थों की पूर्ति में इसके अलावा जैसे आवास में है ना इसके अलावा अन्य प्रकार के जो दवाइयां वगैरह जो संसाधन होते हैं उनमें मेडिसिन वगैरह के अंदर तो जैसे पादप है और जंतु है उनसे आपको क्या क्या मिलता है वो सारे लाभ इसके कैटेगरी में आएंगे तो क्वेश्चन आता है इसका लेकिन मैं मान के चलता कि आप इतने मेच्योर हैं कि आप इसके महत्व कर देंगे तो मैं आपका ज्यादा टाइम लूंगा नहीं वैसे देखो पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन एवं स्थायित्व में होता है मानव की आर्थिक सामाजिक व्यवसायिक सांस्कृतिक गतिविधियों में होता है है ना इन सब में भूमिका रहती है उसकी औषधियां है भोजन है इन सब के अंदर रहता है राइट अब इनको खतरा किस कारण से है तो देखो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं तो तीन चार खतरे हैं इनको एक तो प्राकृतिक आवास जिसमें ये रहते हैं सबसे बड़ा इनको खतरा ये है कि उनका जो प्राकृतिक आवास है मतलब जिस हैबिटेट में या प्राकृतिक आवास में ये रहते हैं यदि वो नष्ट हो जाए नष्ट होने के बहुत सारे कारण हैं हम लोग कलाकार हैं कभी वहां से रोड निकालेंगे कभी वहां से रेलगाड़ी निकालेंगे कभी वहां से कुछ और निकालेंगे कभी हवाई अड्डा बनाएंगे कभी इंडस्ट्री लगाएंगे तो उनका जो प्राकृतिक आवास है किसी भी कारण से मानव जनित या प्राकृतिक कारण से यदि नष्ट हो जाता है तो वो स्पीसीज खत्म हो सकती है प्राकृतिक कारणों से होता है वो धीरे धीरे होता है स्लो होता है तो वो अनुकूलित कर लेती है लेकिन मानव जनित कारणों से होता है वो इतना तेज होता है कि उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिलता है इसके अलावा जैसे अत्यधिक दोहन है बहुत ज्यादा इंसान को तो बस मुर्गी काटनी है अंडे वाली मुर्गी वाली बात है रोज रोज एक एक अंडे का वेट कौन करे आज सारे अंडे निकाल लेते हैं बस यही दिक्कत है यानी अत्यधिक दोहन यदि मान लो पता चल गया कि हाथी के दांतों का कुछ महत्व है तो सारे हाथियों को मार दो फिर क्या करोगे वो नहीं सोचता इंसान समझ गए ना यदि शेर की खाल मान लो कि बहुत कीमती है तो सारे शेरों को मार दो तो इस तरीके से मतलब उनका अत्यधिक दोहन ये बात होगी शय विलुप्तता

उसके कारण से स्थानीय प्रजातियों को बहुत नुकसान हुआ किसी को पैदा ही नहीं होने देती थी तो संभव है तो यह भी हो जाएगा तो अब जैव विविधता के बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन या संरक्षण पर आ जाते हैं चलो क्लियर है यहां तक स्पीड सही है ना अरे जैव विविधता को बहुत अच्छे से एक घंटे एक्सप्लेन किया जा सकता है बायोडाइवर्सिटी को लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अभी तुम लोगों को क्वेश्चन बन जाने चाहिए मेरी महानता से आपको क्या करना है दिख दिखी होगी आपको डेढ़ साल हो गया विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी ये दो तरीके से होती है इसका ये आई एस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है यहां से तो ये पूछ लेगा आपसे भी बायोडाइव इस तरीके के क्वेश्चन संभव है ध्यान रखिएगा इसका जो कंजर्वेशन है एक बात और बता दो आपको पेपर कितना भी टफ बने आर एस का कितना भी मुश्किल बने एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन आसानी आएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे क्लास इसके लिए हम निश्चित रहो ये श्योरिटी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर नहीं या तो इकोनॉमिक सर्वे में और या फिर यहां पर है इतनी श्योरिटी है कि आसान ही क्वेश्चन मिलता है और सीधा सीधा आपको क्वेश्चन मिल जाएगा चिंता ही नहीं करनी तो पढ़ लो इसको ठीक से तो कंजर्वेशन यानी संरक्षण तो जैव विविधता को संरक्षित कैसे कर सकते हैं मतलब इतनी उपयोगी है तो बचाना भी तो है बायोडाइवर्सिटी को जैव विविधता को संरक्षित भी करना है उसके दो तरीके हैं एक इन सीटू है और एक सीटू है एक इन सीटू है और एक सीटू है ठीक है एक इन सीटू और एक सीटू। इन सीटू का मतलब सेम साइट होता है मतलब उसी स्थान पर है एक्सिटू का मतलब है अदर साइड। किसी अन्य स्थान जैसे मान लो कि पश्चिमी घाट में कुछ प्रजातियां रहती है संरक्षित किया जाए तो सेम साइट हो गई उसे इन सीटू बोलेंगे या जैसे पश्चिमी राजस्थान है मरुस्थल है हमारे उस मरुस्थल के अंदर जो प्रजातियां हैं स्पीसीज है डायवर्सिटी डाइवर्सिटी है उसे वहीं पर संरक्षित किया जाए तो ये इन सीटू है इसका फायदा यह कि प्राकृतिक जो वातावरण है उसके अनुकूल होता है तो ज्यादा एक्सपेंडिचर या ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है तो कम पैसे के अंदर संरक्षण हो पाता है क्योंकि भाई उसी स्थान को को थोड़ा सा कुछ अपने प्रिकॉशन लेने हैं ले लेंगे उसके बाद वहां पर उसे संरक्षित किया जा सकता है जैसे बायोस्पेयर रिजर्व है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है जैसे नेशनल पार्क है जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो राष्ट्रीय उद्यान है आपके पास में वन्य जीव अभ्यारण है ये सब चीजें जो कि वहीं पे संरक्षित करना किसी अन्य स्थान पर ले जाके नहीं तो सेम साइट पे जहां वो प्रजाति लंबे समय से वहां रह रही है उसे उसके प्राकृतिक आवास में क्योंकि कुछ खतरा उत्पन्न हो गया है यदि ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आने वाले समय में वो नष्ट हो जाएगी तो उस प्राकृतिक आवास को ध्यान में रख करके अपने को वहां पर कुछ जो उसके लिए थ्रेट है या खतरा है उसको दूर करना है और कुछ जो उपाय किए जाने चाहिए मेजर्स लिए जाने चाहिए वो लेकर के उसे उसकी वही स्थिति में उदी उसे संरक्षित कर दिया जाए तो उसे इन सीटू बोलते हैं यानी सेम सेम साइट साइट इन सीटू मतलब याद रखिएगा जैसे नेशनल पार्क होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उस रिजर्व है इसके अलावा जैसे पवित्र उपवन है झीलें हैं संरक्षण समुदाय आगार वगैरह ये सब है तो कंजर्वेशन जो रिजर्व वगैरह बनाए हुए हैं ना अभी राजस्थान के अंदर भी बहुत चौदह है ना तो आपको ध्यान रखना है तो ये इन सीटू का हम लोग सेम साइट उसी स्थान पर

तो उसका एक कंजर्वेशन करना है मतलब किसी चिड़ियाघर में ले जाके किसी अन्य स्थान पर ले जाके उसे संरक्षित करना यह खर्चीला भी है और ये उस समुदाय के अनुकूल भी नहीं है क्योंकि किसी भी स्पीसीज या प्रजाति के लिए किस प्रकार का वातावरण है मतलब किस प्रकार का वातावरण आवश्यक है ये हम ठीक ठीक कभी पता नहीं कर पाएंगे बहुत मुश्किल काम होता है जैसे शेर है उसके वो जंगल में रहता है तो उसके लिए हम उसकी कुछ चीजों को जान सकते हैं सभी चीजों को नहीं जान सकते तो हम लोग अपने हिसाब से उसे मान लो ये माच खाता है तो माच उसके बकरा फेंक दिया यही तो करोगे पानी दे दोगे लेकिन उसका और क्या उसका बिहेवियर है उसको नहीं समझ पाओगे तो जब भी आप संरक्षित करते हो एक्ससी टू तो ये बहुत सही तरीका तो नहीं है लेकिन मजबूरी में फिर कुछ स्पीसीज होती है जो बहुत ही ज्यादा उनको थ्रेटन हो जाता है तो उन्हें बचाने की कोशिश की जाती है तो वो एक्सी होता है जितने भी जैसे गार्डन होते हैं ये बोटानिकल पार्क है जोलॉजिकल पार्क है किसी भी प्रकार का उद्यान है वृक्ष उद्यान है जंतु उद्यान है चिड़ियाघर है मतलब किसी अन्य बीज बैंक है जीन बैंक है किसी प्रकार के जैसे निम्नतापीय संरक्षण है तो ये जितने भी जो संरक्षण है जो उसी स्थान पर नहीं है किसी अन्य स्थान पर है है ना उसको क्या बोलते हैं जैसे हमारे शरीर के अंदर खून है तो हमारे शरीर में ही है वो भी तो इसे इन सीटू बोलेंगे लेकिन यदि उसे निकाल करके ब्लड बैंक में जमा करा दिया तो एक्सी टू है वो किसी और के काम आएगा ये एक्सी टू है लेकिन मेरे शरीर में है तो इन सीटू है ये बात है क्लियर है यहां तक अब ओम प्रकाश जी पूनिया जी अब ऑफलाइन तो मैं पढ़ाता भी नहीं ठीक है चलो इन सीट कंजर्वेशन सब स्थानीय संरक्षण देखो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बायोस्पेर रिजर्व इनकी बात करेंगे राजस्थान के अंदर कुछ और क्षेत्र भी है जैसे चौदह संरक्षित क्षेत्र है वो याद कर लेना लाइन से क्वेश्चन आता है हर बार वहां से और एक मैंने शायद आपको वो भी याद होंगे राजस्थान के अंदर कि जो तैतीस जिले हैं उनके लिए जो एक एक अलग जैसे अपन क्या बोलते हैं उसको अलग अलग जो जीव है उसको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट या जिले के स्थान स्तर पर उसे संरक्षित किया गया है उसका नाम रखा गया है तो वो भी याद कर लेना अभी कुछ फसलें वगैरह भी है अलग अलग जिले की अलग अलग फसलें हैं तैतीस जिलों की अलग अलग उनके संबंध में भी काम हो रहा है वो भी याद कर लेना इसके अलावा जैसे ये सब चीजें तो एनवायरमेंट इकोलॉजी से याद रख लेना एक दो मेरे को दिन में याद आ रहा था मैं सोचा बच्चों को बोलूंगा एक के याद कर लेना जितने भी अभी ओलंपिक हुआ है ना इसकी कोई भी चीज़ है ओलंपिक की छोड़ना मत सारी लाइन से ओलंपिक को अच्छे से याद कर लेना और एक दो चीजें मेरे को और याद आ रही दिन में मैं भूल गया बताना लेकिन ये मैंने जो एन्वायरमेंट इकोलॉजी से वहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे एक दो क्वेश्चन आपको हर टॉपिक से मिलेंगे ही मिलेंगे तो ध्यान रखना है अब अपन इसमें बात कर लेते हैं ये बाई स्थान ही हो गया मतलब किसी अन्य स्थान पर उनको संरक्षित करना ऐसे कैसे कुछ कुछ बातें याद रखनी है रिजर्व के बारे में। पिछली बार भी था। ना रिजर्व के बारे में। तो देखो बायोस्पेयर रिजर्व या जैव मंडल आरक्षित जो क्षेत्र है इसकी शुरुआत नाइनटीन सेवनटी वन से इसका देखो मेन एंड बायोस्पेयर प्रोग्राम एम ए बी बोलते हैं इसको मेन एंड बायोस्पेयर प्रोग्राम मतलब यह समझ लो कि इसका नाम इस तरीके से इसलिए रखा गया कि जो हमें जैव विविधता को संरक्षित करना है उसमें मानव की भूमिका को स्वीकार करना है नॉर्मली क्या होता है कि जैव विविधता को नुकसान किसकी वजह से मानव की वजह से तो मानव उसके लिए खतरा ही है बायोस पे रिजर्व में यह कोशिश की जाती है कि जो स्थानीय समुदाय है उसकी भी भूमिका उसमें रहे और उसकी सकारात्मक या पॉजिटिव रोल उसका रहे या सकारात्मक भूमिका उसकी रहे ये कोशिश की जाती है यह दिमाग में रखना है तो मेन एंड प्रोग्राम चला गया 1971 में यूनेस्को यूनेस्को के द्वारा यह याद रखना है है का मतलब यूनाइटेड बायोस्पेयर एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये फुल फॉर्म याद होनी चाहिए आपको और इसका हेडक्वार्टर कहा में तो इसके द्वारा चलाए गए एक प्रोग्राम है यूनेस्को के द्वारा भारत के अंदर 18 बायोस्पेयर रिजर्व है राजस्थान के अंदर एक भी बायोस्पेयर रिजर्व नहीं है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र राजस्थान में नहीं है आप ये बताओ कि राजस्थान कितने तो लेकिन वाली में ही दिया था, में था? में पहुंचा नहीं था कौन सी मैगजीन में आपके क्रोनोलॉजी में दिया हुआ है कि जो अपने पश्चिमी इसको भी बायोस्पेयर रिजर्व बनाने पर विचार हो रहा है अभी बना नहीं है, विचार हो रहा है। जो मेरे पास जानकारी है मैंने दो तक के आंकड़े लिए इसके अंदर मैंने देखे तो बारह जो है उन्हें यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल किया हुआ है यूनेस्को के नेटवर्क में कितने शामिल किया गए है बारह तो ये कौन कौन से हैं युवा आपको देखने है। कुछ तो मैं आपको बता दूंगा उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करना है जैव विविधता को संरक्षण करना शिक्षा अनुसंधान स्थानीय लोगों की भागीदारी ये तीन चार उद्देश्य हैं किसके बायोस्पेयर रिजर्व के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के पहले यह समझना है कि बायोस्पेयर रिजर्व का उद्देश्य क्या है जैव विविधता को संरक्षित करना प्रोग्राम किस प्रकार का है इन टू प्रकार का इन टू क्या होता है सेम साइट पर संरक्षित करना वहीं पे अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि बायोस्पेयर रिजर्व में किसी विशेष प्रजाति को संरक्षित नहीं किया जाता किसी विशेष प्रजाति को संरक्षित नहीं किया जाता को तो संरक्षित नहीं किया जाता है संरक्षित नहीं किया जाता है ऐसा नहीं कि किसी विशेष प्रजाति के लिए तो फिर किस लिए जिस क्षेत्र को बायोस्पेयर रिजर्व घोषित किया जाता है उस क्षेत्र की संपूर्ण जैव विविधता को संरक्षित करना उस क्षेत्र की संपूर्ण जैव विविधता को संरक्षित करना यह उद्देश्य है। मतलब किसी विशेष स्पीसीज को नहीं उस क्षेत्र की संपूर्ण जैव विविधता को संरक्षित करना इसका उद्देश्य होता है संरक्षित करना उद्देश्य है यानी इसका प्रमुख उद्देश्य है उस क्षेत्र की संपूर्ण जैव विविधता को संरक्षित करना प्रोटेक्ट करना किसी विशेष प्रजाति को नहीं यह ध्यान रखना है यूनेस्को का प्रोग्राम है भारत के अंदर अठारह है राजस्थान में कोई भी नहीं है लेकिन इसके अंदर यदि आप देखोगे तो कोई प्रजाति संरक्षित नहीं होती है कोई विशेष प्रजाति संरक्षित नहीं होती है लेकिन उस देश की सोवरेंटी या संप्रभुता के अंतर्गत ही होता है ऐसा नहीं यूनेस्को जो है वो भारत सरकार को प्रताड़ित करेगा कि तुम इस रिजर्व में क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो ऐसे नहीं सरकार खुद भी अटेंटिव होती है लेकिन सारे जो नियम कानून कायदों का जो पालन करना होता है वहां की संबंधित सरकारों को ही करना होता है साढ़े पांच सौ से ज्यादा ये वैश्विक स्तर पर आपको बायुस्पे रिजर्व मिल जाएंगे ठीक है ना हां जिला शुभंकर तो क्षेत्र की संपूर्ण जैव विविधता को संरक्षित करना होता है संपूर्ण जैव विविधता को संरक्षित करेंगे ये उस देश की शोरेंटी में ही होता है और यूनेस्को का प्रोग्राम है ये याद रखना है देखो अब देखो इसको हम तीन भाग में बांट सकते हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसके तीन भाग होते हैं और इन तीनों भागों पर कोई क्वेश्चन बन सकता है बहुत आसान क्वेश्चन बनेगा ध्यान रखिएगा जोन 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 बफर और ट्रांजिशनल यानी किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व के तीन भाग होते हैं सबसे अंदर वाला जो भाग होता है उसे कोर जोन बोलते हैं उसके जो बाहर वाला भाग होता है उसे बफर जोन बोलते हैं उसके बाहर वाला भाग होता है उसे ट्रांजिशनल जोन बोलते हैं सबसे अंदर वाला भाग कोर उसके बाद बफर और उसके बाद ट्रांजिशनल जोन कोर बफर और ट्रांजिशनल जोन होता है जो कोर है मतलब सबसे अंदर वाला जो भाग है यहां पर सभी प्रकार की मानव गतिविधियों की अनुमति प्रतिबंधित है यानी नो ह्यूमन एक्टिविटी कोई भी मानव गतिविधि यहां पर हो ही नहीं सकती है यानी सभी प्रकार की मानव गतिविधियों की रोक है रोक है किसमें कोर में याद करना है याद कर लेना है कैसे भी याद हो जाए वैसे देख लेना सी बी टी ये सबसे अंदर वाला सी बीच वाला बफर और बाहर वाला लास्ट बाहर वाला टी आपसे ये भी क्वेश्चन इस तरीके से भी स्टेटमेंट बना सकता है कि सबसे अंदर वाला भाग कोर होता है फिर बफर होता है फिर ट्रांजिशनल जोन होता है इसमें से पहला कोर फिर ट्रांजिशनल फिर बफर ऐसा कुछ करके दे सकता है वो यदि ऐसा कुछ करके देगा इस तरीके का कुछ करके दे देगा तो फिर आप उस स्टेटमेंट को आपको पकड़ना है ध्यान से अरे क्या हो गया है अरे वो दीदी दादो चुप हो जाओ मैं कमेंट देखता रहूं तो देखो कोर जोन बफर जोन और ट्रांजिशनल जोन तीन जोन हो गए कोर जोन बफर जोन और ट्रांजिशन ये जो कोर जोन है इसमें किसी प्रकार की मानव गतिविधि नहीं है तो इसमें यह मत समझ लेना किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि नहीं है तो इसका मतलब यह है कि कोई मानव जा ही नहीं पाएगा अब उस क्षेत्र को कोई संरक्षित करने वाला है जैसे सरकारी अधिकारी है जो उसका संरक्षण कर रहा है तो वो जाएगा ही मान लेते हैं कि कोई शेर है घायल होकर के पड़ा है कोर जोन कोर जोन कोर के अंदर पड़ा है तो इसका मतलब ये थोड़े ही कि हम उसके अंदर जाएंगे ही नहीं तो कहने का मतलब है नो ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब यह नहीं कि कसम खाली वहां से कोई भी नहीं सकता है मतलब यह नहीं है उसका मतलब यह है कि बाह्य जो लोग हैं जो उस क्षेत्र को कोर एरिया को किसी भी प्रकार से का भी यदि नुकसान पहुंचा सकते हैं तो उसे नहीं जानने देना है यदि किसी प्रकार का वैज्ञानिक अनुसंधान भी है और लगता है कि वो भी किसी प्रकार से यहां पर प्रजातियों को हर्ट करेगा नुकसान पहुंचाएगा तो उसे नहीं किया जाएगा इसलिए बोला जाता है किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि नहीं मतलब इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है कि आप सोच नहीं सकते समझ गए ना बात को तो उस तरीके से कोर जोन होता है बफर जोन होता है उससे देखो कोर जोन के अंदर नेशनल पार्क वगैरह भी हो सकते हैं क्योंकि अभी मैं बताऊंगा नेशनल पार्क में भी इसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन होते हैं यहां पर यदि कभी नेशनल पार्क बनाया जाएगा तो कोर जोन में बनाया जाएगा जरूरी नहीं है कि सभी बायोस्पेयर रिजर्व में नेशनल पार्क हो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है लेकिन किसी बायोस्पेयर रिजर्व के अंदर नेशनल पार्क हो सकता है किसी नेशनल पार्क के अंदर बायोस्पेयर रिजर्व नहीं होता यह ध्यान रखिएगा क्योंकि नेशनल पार्क का मतलब ही हो गया पूरी तरीके से फिर वो क्षेत्र संरक्षित हो गया तो फिर उसमें में आप कोर बफर ट्रांजिशन क्या बनाएंगे क्योंकि नेशनल पार्क में लगभग उसी प्रकार के रिस्ट्रिक्शन होते हैं जैसे कि कोर एरियाज के अंदर होते हैं तो नेशनल पार्क के अंदर उसी तरीके के रिस्ट्रिक्शन होते हैं जैसे कि कोर एरियाज में आते हैं तो फिर इसके बाद देखो बफर जोन में आ जाओ दूसरे में इसमें कुछ मानव गतिविधियों की छूट होती है बहुत ही कम मानव गतिविधियों की छूट होती है बफर जोन के अंदर जैसे बहुत ही कम जैसे किसी प्रकार का रिसर्च या अनुसंधान है किसी प्रकार का रिसर्च या अनुसंधान है लिमिटेड में पर्यटन है जिद नहीं कर सकते कि जाऊंगा ही जाऊंगा बीवी को लेके आ गया मैं और मेरे अनुमोन का टाइम है और मैंने कसम खाई थी कि पहले अनिमोन पर तुम्हें उस पर रिजर्व दिखाऊंगा लेकिन मैं जाऊंगा यदि वो मना करेंगे कि इस टाइम पर नहीं आ सकते आप ये मान लेते हैं कि तुम्हारे अनुमोन का टाइम है तो ये वहां की स्पीसीज या प्रजातियों के भी कुछ समय ऐसा होता है जो उनके अनिमून का टाइम होता है जैसे अभी अभी का टाइम है अभी आप जाओ किसी नेशनल पार्क में बाइस एरिया में शायद आपको एंटर होने देगा हाँ ये ट्रांजिशनल एरियाज में हो सकता है लेकिन बाकी बफर एरियाज के अंदर कोर एरियाज में या नेशनल पार्क में भी नहीं एंटर होने देंगे क्योंकि ये उनके अनिपून का टाइम है यानी प्रजनन का टाइम होता है रिप्रोडक्शन का टाइम होता है इस टाइम पे वो ज्यादा खुंकार हो जाते हैं तो आप इस तरह की जिद नहीं कर सकते तो पर्यटन है लेकिन बहुत लिमिटेड रिसर्च है अनुसंधान है किसी शैक्षिक महत्व है शिक्षा से संबंधित है तो इस तरीके की कोई चीज है बहुत ही रिस्ट्रिक्शन है उसके साथ बफर जोन में हो सकता है पर्यटन अनुसंधान शिक्षा ये सब हो सकते हैं बफर एरिया में लेकिन बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड मैनर के अंदर बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड यानी कुछ मानव गतिविधियों की छूट है लेकिन बहुत कम मानव गतिविधियों की जो ट्रांजिशनल जोन है इसमें काफी मानव गतिविधियों की छूट होती है जैसे स्थानीय समुदाय उसको यहां से प्रतिस्थापित नहीं किया जाता यानी जो लोकल लोग हैं वो वहीं रहेंगे तो लोकल हम लोग रहेंगे तो कृषि कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं पशुपालन कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं मनोरंजन कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं लकड़ी चुक सकते हैं बिल्कुल चुक सकते हैं किसी प्रकार के फल वगैरह इकट्ठे कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं यानी परिवहन वगैरह हो सकता है बिल्कुल हो सकता है यानी थोड़ी बहुत गतिविधियां वहां पर हो सकती है अच्छी खासी थोड़ी बहुत क्या लेकिन वो सब भी ऐसा नहीं है कि अनियंत्रित तरीके से मतलब कोई रूल एंड रेगुलेशन ही नहीं है नियम कानून कायदे हैं यदि बायोस्फेर रिजर्व है तो उसके लिए नियम कानून कायदे होंगे ही होंगे ये बात ध्यान रखनी है क्लियर है अरे समझ गए क्या क्लियर हो गया तो देखो ट्रांजिशनल जोन हो गया बफर जोन हो गया तो कोर एरियाज हो गए तो कोर एरियाज के अंदर अपन बात कर रहे हैं तो किसी प्रकार की मानव गतिविधि नहीं याद रखना एक एक बात बफर जोन जो है इसमें किस प्रकार की मानव गतिविधियां रिस्ट्रिक्टेड ये जैसे एजुकेशन रिसर्च टूरिज्म ट्रांजिशनल जोन स्थानीय समुदाय रह सकता है ऐसा बोल देंगे कि स्थानीय समुदाय नहीं रह सकता है ट्रांजिशनल जोन में तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर वहां पर ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड हो जाएगा मैं पढ़ा रहा हूं तो स्टैंडर्ड नहीं है ये उस टाइम स्टैंडर्ड हो जाएगा ट्रांजिशनल जोन की भी बातें पूछ ली थी तो सामान्य बात है यार इस जोन के अंदर स्थानीय समुदाय रह सकता है यही मैन एंड बायोस्पेयर रिजर्व प्रोग्राम का उद्देश्य भी है कि किस प्रकार से स्थानीय समुदायों का जो ज्ञान है नॉलेज है उसका उपयोग किया जा सकते हैं जैव विविधता के संरक्षण में या बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन में राइट तो यह ध्यान रखना है कोर बफर और ट्रांजिशनल जोन तीन होते हैं यहां पर किसी प्रकार की मानव गतिविधि नहीं है देखो कोर जोन सबसे बिहतरी भाग है किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होती है यह कोर भाग के बाहर वाला क्षेत्र है बफर जोन यहां पर कुछ मानवीय गतिविधियां शिक्षा अनुसंधान पर्यटन आदि की अनुमति होती है ट्रांजिशनल जोन सबसे भारी भाग है समुदाय को लकड़ी इकट्ठा करने की फल एकत्रित करने नियंत्रित पशु चारण इन सब की अनुमति होती है भारत में कुल 18 बायोस्पेयर रिजर्व है उनमें भारत के सबसे पहला बायोस्पेयर रिजर्व है नीलगिरी 1980 देखो ये प्रोग्राम 1971 में स्टार्ट हुआ था लेकिन भारत के अंदर इस प्रोग्राम की शुरुआत इंडिया में नाइनटीन में होती है और भारत के सबसे पहला बायोस्पर रिजर्व नीलगिरी को बनाया जाता है नीलगिरी जो है ये तीन स्टेट के अंदर है केरला और तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है ना ये तीन स्टेट के अंदर है तो ये आपको ध्यान रखना है तो देखो ए, ये आपके पास हो गया देखो फिर इसके बाद नंदा देवी है बताइए आपको उत्तराखंड वगैरह में ये आपके पास में मेघालय नोकरेक ग्रेट निकोबार इस तरीके से आपको और भी मिलेंगे सुंदरवन सिमलीपाल ओडिशा के अंदर ये देखो सिर आंध्र प्रदेश बेओ बंगाल बेसो बेओ मन्नार ये आपके तमिलनाडु यूनेस्को इन यूनेस्को जो लिखा मतलब यूनेस्को नेटवर्क के अंदर ये शामिल है मनाश है पंचमढ़ी है एम के अंदर अर्चना कुमार अमरकंटक है ये अट्ठारह के अठारह आपको याद करने हैं पन्ना है मध्य प्रदेश में अगस्त्य मलई है पूछ लेगा निम्न में से कौन सा बायो रिजर्व नहीं है आप मैच कराने के लिए दे देगा चार बाईस पे रिजर्व का नाम और फिर इधर चार आपको आ, स्टेट दे, दे देंगे राज्य दे देंगे तो बाईस पे रिजर्व का नाम भी और यह भी और इनका कौन सा नेटवर्क में शामिल है नहीं एक तो पीडीएफ पीडीएफ ले लेना ले आप और PDF के अलावा आपको एक बार गूगल जरूर करना है गूगल करना है आपको कि कौन कौन से बाईस पे रिजर्व है और कहां कहां है तो आप लिख लो जहां भी पढ़ रहे अठारह के नाम आपको गूगल करने थोड़ी बहुत दो दो तीन तीन लाइन उनके बारे में पढ़ लेना कि अच्छा यहां पर है ये कोई नदी वगैरह यहां से गुजर रही हो तो क्योंकि मैं अभी इन सब के बारे में नदियों के बारे में बताऊंगा तो आपको टाइम लगेगा वैसे उस तरीके के क्वेश्चन के चांसेस कंपेरेटिवली कम है आई एस में पूछे जाते हैं ये बायो इस रिजर्व है यहां से कौन सी नदी गुजरती है पहले मैंने सोचा था मैं ये करवा दूं आपको लेकिन फिर जितने भी आर तक, आज तक के मैं आरपीएससी के क्वेश्चन देखे तो उसमें उस तरीके का क्वेश्चन था नहीं तो मैंने सोचा फिर मैं आपका टाइम क्यों खराब करूं तो इसलिए ये आप एक बार गूगल कर लेना दो दो तीन तीन लाइन इनके बारे में आप पढ़ लेना ज्यादा मत करना एक तो स्टेट का पता होना चाहिए फिर कोई विशेष उसकी विशेषता है तो दिख लेना उसके बाद नेशनल पार्क है बारह है अभी यूनेस्को के नेटवर्क में ध्यान रखना ठीक है यहां तक बात मांगी अब देखो नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान जो है ना इसके लिए आपको अलग अलग किताबों के अंदर अलग अलग तरीके से बातें लिखी है जैसे यहां पर भारत सरकार अनुमति देती है अब ए... दृष्टि वगैरह पढ़ोगे तो राजस्थान सरकार अनुमति सरकार राज्य सरकार अनुमति देती है यह समझ लो कि राज्य सरकार की अनुमति से होता है और भारत सरकार की अनुमति भी चाहिए ऐसे समझ लो तो राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर के नेशनल पार्क का निर्माण करते हैं यदि एक ही ऑप्शन में चूज करना हो तो फिर स्टेट गवर्नमेंट कर लेना ठीक है तो नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान इसका क्या मतलब होता है ये भी किसी विशेष प्रजाति को संरक्षित करने के लिए नहीं है जैसे ये नेशनल पार्क है तो यहां पर करीब करीब आप ये समझ लो कि बायोस्पेर रिजर्व के कोर एरिया जैसी स्थिति होती है मतलब ये कि पूरे क्षेत्र को संरक्षित करना होता है यहां पर भी कोई विशेष प्रजाति को संरक्षित नहीं किया जाता है संपूर्ण क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है और यहां पर जो नियम होते हैं सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं यदि आपसे पूछ ले कि रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट नियम किसके होते हैं सख्त नियम तो वो नेशनल पार्क के होते हैं भारत के अंदर सो से ज्यादा नेशनल पार्क है सो से ज्यादा इसलिए लिखना इनकी संख्या को लेकर के जैसे 106 भी लिखा है कुछ किताबों में लेकिन वहां पर राजस्थान के अंदर पांच बताए हैं राजस्थान में कान पांच नेशनल पार्क है तो ये कंडीशन है तो सो से ज्यादा है पिछली बार यही क्वेश्चन था अठारह एक सौ तीन पांच सौ ऐसे करके मैच करवाया था तो ये ध्यान रख लेना कि सो से ज्यादा है एक सौ पांच एक सौ छोटे पास में नेशनल पार्क की या राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है यहां पर सभी प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है सभी प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है जिम कार्बेट है वो पहला नेशनल पार्क था हमारा है ना राष्ट्रीय उद्यान था तो सभी प्रजातियों को यहां पर संरक्षित किया जाएगा नियम अत्यधिक कठोर होंगे मानव गतिविधियों की अनुमति नहीं है थोड़ा बहुत बहुत ही कम मात्रा में ऐसे आता है मानव गतिविधियां नहीं तो सही होगा स्टेटमेंट बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड मैनर के अंदर जैसे अनुसंधान यानी रिसर्च इसके अलावा पर्यटन और शिक्षा अनुसंधान शिक्षा पर्यटन इसकी बहुत ही सीमित मात्रा में अनुमति कुछ वर्ष के साल के कुछ विशेष महीनों के अंदर अनुमति होती है हमेशा नहीं तो ये मानव गतिविधियां लगभग ना के बराबर होती है जैसे कुछ विशेष टाइम आएगा कि जैसे आपको ऐसे समझ लो कि अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का टाइम है आप मानव गतिविधियों के लिए या फिर उसमें भी क्या करेंगे कि आप यदि पर्यटन के उद्देश्य से जा रहे हैं तो नेशनल पार्क के कुछ लोग होंगे वो साथ जाएंगे आपके आपको खुला नहीं छोड़ेंगे वहां प्रशांड की तरह तो साथ जाएंगे वो ठीक है ना तो इसका मतलब ये हो गया कि बहुत ही सीमित गतिविधियां बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं तो यहां पर बायो इस पर रिजर्व की कोर एरिया आपको गतिविधियां दिखेंगी मतलब उतना रिस्ट्रिक्शन आपको दिखेगा बहुत ही सीमित मात्रा में अनुसंधान पर्यटन शिक्षा ना के बराबर ना के बराबर इन सब चीजों की अनुमति होती है यानी उद्देश्य होता है वहां की जैव विविधता को या बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करना यानी उसे प्रोटेक्ट करना उसका उद्देश्य है क्लियर है क्लियर है यहां तक अरे समझ आ गई बात या नहीं है क्लियर है ना तो ये नेशनल पार्क के बारे में है तो यदि एक सेंटेंस में पूछ ले कि अनुमति कौन देता है तो राज्य सरकार वैसे दोनों की भूमिका होती है राज्य सरकार केंद्र सरकार भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट है ध्यान रखना इसका नाम बाद में जिम कार्गेट करा था और ये स्वतंत्रता से पहले एक तरीके से बना हुआ है वर्तमान में सौ से भी अधिक राष्ट्रीय पार्क है नेशनल पार्क है याद रखना अब होता है एक आपके पास में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह किसी विशेष प्रजाति को संरक्षित करने के लिए होता है यह किसी विशेष प्रजाति को संरक्षित करने के लिए होता है राजस्थान में कितने बताना राजस्थान में कितने है किसी विशेष प्रजाति को संरक्षित करने के लिए संरक्षित करने के लिए किसी विशेष प्रजाति को संरक्षित करने के लिए मतलब किसी विशेष प्रजाति एक प्रजाति मान लो इसको संरक्षित करना है तो उसके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया राज्य सरकार अनुमति देती है यानी पूरी तरीके से राज्य सरकार की अनुमति से होता है यह राज्य सरकार की अनुमति से होता है और इसमें रिस्ट्रिक्शन ज्यादा नहीं होते यानी इसमें जो प्रतिबंध होते हैं वो कम होते हैं मानव गतिविधियों की छूट होती है प्रतिबंध कम होते हैं रिस्ट्रिक्शंस होते तो हैं लेकिन कम होते हैं जैसे मानव गतिविधियां जैसे लकड़ी इकट्ठा करना पशु चारण करना मानव आवास का होना है ना पर्यटन शिक्षा अनुसंधान इस तरह की जो चीजें हैं वो सब की छूट इस एरिया के अंदर होगी जैसे सूखे लकड़ी इकट्ठा करना फल एकत्रित करना पशुचारण नियंत्रित परिवहन ये सब चीजें पांच से ज्यादा है है ना ये ध्यान रखना इंडिया के अंदर भारत में पांच से ज्यादा है तो लिस्ट तो याद करनी नहीं है राजस्थान के जितने भी है उन सबको याद करना है पढ़ाया आपको एक एक के बारे में बताया हुआ है ट्वेंटी सेवन ठीक है ठीक है ना याद रखना ये सारी चीजें अब देखो यहां तक आपको समझ में आ गई है कि क्या क्या है तो फिर आई वगैरह पे आता हूं मैं एक बार अपन लोग आरबीएससी की बुक देख लेते हैं उसके अंदर क्या दिया है देखो इसमें बुक किस लैंग्वेज होगी तो मैं ज्यादा आपको पढ़ के तो नहीं बताऊंगा लेकिन एक दो चीजें आप कर लेना देखो ये यदि आप कर सकते हो तो इंट्रोडक्शन में कुछ ज्यादा नहीं है स्किप कर सकते हो ये बता दिया मैंने जेनेटिक एंड इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी उसके बाद देखो जैव विविधता के प्रकार में और फिर देखो ज्ञात प्रजातियां जो है उसमें एक टेबल दी हुई है उसमें से एक दो बातें ध्यान रखनी है जैसे भूमंडल पर यानी पृथ्वी पर पाई जाने वाली ज्ञात प्रजातियों की संख्या दी है इसमें आपको क्या ध्यान रखने वाली बात है ये टोटल नंबर वगैरह इनकी संख्या याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन आरबीएसई में से एक फैक्ट याद रख सकते हो आप कि जैसे विषाणु है मोनेरा है इनकी इतनी जातियां हैं कवक इतने हैं शेवाल इतने हैं पादप जगत इतने हैं प्रोटोजवा इतने है, प्राणी जगत इतने तो सबसे ज्यादा प्राणी जगत ही है यानी एनिमल जो है एनिमेलिया उनकी संख्या सर्वाधिक है फिर दूसरे नंबर पे संख्या जो प्रजातियों की संख्या है वो पादपों की है ये याद रखना है तो जैव विविधता में कभी आप पूछ ले कि सर्वाधिक कौन है पादप है प्रजातियां है जंतु प्रजातियां है ऐसे करके क्वेश्चन पूछे मान लो कि प्रलिम्स के अंदर तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे तो याद रखना है इस टेबल में से या आरबीएससी की बुक में है प्राणी जगत है, यानी एनिमेलिया सबसे ज्यादा फिर पादप जगत है प्लांट है उनके दूसरे नंबर पर आता है उससे आगे मेरे को नहीं लगता कि वो घुसेगा इतने से अपना काम चल जाएगा ठीक है उसके बाद कवक वगैरह है लेकिन दो याद रख लेना कि पहला प्राणी जगत और दूसरा पादप जगत की वो मत कर देना करेक्ट? अभी कंफ्यूज मत हो इन सब चीजों के अंदर ना अनुवंशिक जैव विविधता में पढ़ के नहीं बता रहा हूं आपको समझा दिया है अब एक बार गो थ्रू होना चाह रहे हैं तो हो जाना तो आपकी आपको इसकी लैंग्वेज पता चल जाए लेकिन याद वही रखना है कि जेनेटिक स्तर पर पाई जाने वाली विविधता प्रजातीय स्पीसी मतलब विभिन्न प्रजातियों के मध्य पाई जाने वाली देखो किसी क्षेत्र विशेष में मिलने वाली प्रजातियों की विभिन्नता को कहते हैं वही बात है बस अब देखो अल्फा बायोडाइवर्सिटी बीटा बायोडाइवर्सिटी और गामा बायोडाइवर्सिटी यहां दिया हुआ है देखो क्या लिखा हुआ है अल्फा विविधता क्षेत्र विशेष में प्रजातीय समानता एवं प्रजाति संपन्नता पर निर्भर करती है क्षेत्र विशेष याद रखना आप इससे ज्यादा आप कुछ मत सोचना क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली बिट्टा विविधता के बारे में देखो क्या लिखा है यह पिछली बार यही क्वेश्चन था यही एग्जैक्ट लैंग्वेज उठा करके दी थी पूछा था यह कौन सी बायोडाइवर्सिटी कहलाएगी तो पिछली बार एग्जैक्ट इस बुक में से क्वेश्चन उठाया गया था एक्ट सेम लैंग्वेज दी थी तो देखो विविधता क्षेत्र विशेष में प्रजातीय समानता क्षेत्र विशेष तो अल्फा होगी बीटा इकाई आवास में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप

उसके कारण से विस्थापन होगा तो ये आदि अधूरी डेफिनेशन है लेकिन अब आरबीआईएससी में दी है तो हम क्या करें तो याद रखना है फिर गामा विविधता है तो ये सारे में भौमिक विविधता है यूनिवर्सल डाइवर्सिटी पूरी पृथ्वी की विविधता ठीक है ये तीनों डेफिनेशन एक बार देख लेना यहां से कि इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हो देखो परिवर्तन के फल स्वरूप ये बीटा बायोडायवर्सिटी परिवर्तन शब्द है ना तो बिट्टा बायोडाइवर्सिटी सार्वभौमिक आए तो गामा बायोडाइवर्सिटी और एक क्षेत्र विशेष की बात करें तो अल्फा बायोडाइवर्सिटी अब विविधता के उपयोग समझ खुद ही समझ में आ जाएंगे आपको इसके पारिस्थितिक लाभ होते हैं इसके प्रोडक्टिव यूज होते हैं इसके कंजम्पशन से जुड़े यूज होते हैं एजुकेशन रिसर्च है सोशल यूज है एथिकल यूज है ये अपन नहीं करेंगे ठीक है औषधियों वगैरह में यूज है अब देखो पूछने के लिए आरपीएस यहां से भी क्वेश्चन बना सकती है लेकिन ये आपसे मुश्किल से याद होगा निम्न में से कौन सी ऐसी है जो मतलब एंटी कैंसर के रूप में यूज हो सकती है तो नाम दे दे आपको इनमें से चार कोई ऑप्शन दे दे देखो प्राकृतिक औषधियों के उत्पाद स्रोत है ये तो इनमें से जैसे कौन इनमें से है जो कि प्रतिजैविक के रूप में यूज नहीं होती तो ये देखो प्रतिजेवक के रूप में पेनिसिलिन यूज होती है यूज रूम है। फिर बोलते ना इंग्लिश में तो इसके रूप में ये यूज होती है तो ये यहां से क्वेश्चन बना सकता है वो क्योंकि उसके हाथ लगे किताब तो फिर जैसे हृदय उत्तेजक है तो डिजिटेलिन है मलेरिया के लिए कुनेन सिनकोना है जन्मदर नियंत्रण करने के लिए डायसगे डायोसगे दाइ, तो यदि यहां से पेपर बनेगा ना तो फिर ये सारी कोचिंग के नोट्स जो हैं और सारी जो मार्केट में किताबें हैं ना वो फेल हो जाएगी फिर कोई ये लिस्ट नहीं देगा ना कोई ये लिस्ट पढ़ाएगा मेरे तो आप में श्रद्धा है तो इसको याद कर लेना पूछ सकता है यदि ये किताब हाथ लगे तो है, आपके पास जैसे कोर्टाइसन है ये एंटी इनफ्लामेशन है साइट साइटेरेबिन है तो ल्यूकेमिया है और विन ब्लास्टीन एम आपके पास विन क्रिस्टीन है ये के लिए ठीक है ना बस है। ये लिस्ट यहां से पूछी जा सकती है ये आरबीएससी की बुक में है पूछने को तो यहां से भी पूछ सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा आपसे होगा नहीं बड़ा दोस्तों औषधि उपयोग के लिए यहां पर भी कुछ लिखी है लेकिन ये यहां पर इतनी फट गई है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी है लेकिन यहां पर भी जैसे टेबल फोर पॉइंट थ्री है ये इलेवंथ क्लास की बुक में शायद कल वाला मैं भेजना भूल गया था आज डाल दूंगा वो भी और ये तो इसमें जैसे मुलट्टी है वो किसके लिए यूज होती है कफ व्यस्तमा के लिए यूज होता है उच्च ताप को उच्च रक्तचाप को यानी हाई ब्लड प्रेशर को सर्पगंधा है वो यूज होती है तो इस तरीके से ये हल्दी है वो जैसे डायरिया बुखार चोट इनके अंदर कौन सी चीज यूज होती है हल्दी यूज होती है

वृद्धा संरक्षण वस्तकों का संग्रहण चक्रण इतना मन मैं जो जो अंडरलाइन बता रहा ना आपको बस सिर्फ उस पे गो थ्रू जाना हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी पढ़ाते हैं आपको ना लेकिन मैं उससे पहले और भी चीजें पढ़ा के या ये पढ़ा दूं चलो ये पढ़ा देते हैं पहले ठीक है क्लियर यहां तक हो जाएंगे हो जाएंगे याद हो जाएंगे लेकिन मैं कह रहा हूँ इनके चांसेस ज्यादा होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के चलो कितनी तो चीजें बता रहे हैं भाई आपको पूरी किताब थोड़ी पढ़नी है दो टेबल पढ़नी है आप कहोगे कि सर दो टेबल ही डाल दो तो ये दो टेबल ही डाल दूंगा मैं तो काट के मेरे को तो शीशु नहीं है तो सर दो टेबल ही डाल दो तो वो हो जाएगा मुझे तो देखो हॉट स्पॉट है ये यह यहां से नहीं पढ़ोगे तो चलेगा वैसे ही बता दो मैं तो छत्तीस हॉटस्पॉट है देखो हॉटस्पोट समझते हो क्या तब तप्त स्थल या इसे संवेदनशील क्षेत्र के रूप में यहां लिखा है तो हॉटस्पॉट का मतलब होता क्या है जैसे भारत के अंदर चार हॉटस्पॉट है राजस्थान में कोई हॉटस्पॉट नहीं है ट स्पोट या तप्त स्थल का समय एक होता है होप स्पोर्ट वो भी बता देता हूं एक होता है होपस्पोट एक होता है हॉटस्पोट वॉट स्पोर्ट का समय स्थलीय भाग से मतलब मेनली लैंड वाले पार्ट से है और यही विविधता की कहानी यदि समुद्री क्षेत्र के अंदर दोहराई जाती है यदि समुद्री क्षेत्र से ऑपरेशन ब्लू समझ लो यानी समुद्री क्षेत्र से या जलीय क्षेत्र से जुड़ी हो तो उसे हॉप स्पॉट बोलते हैं यानी जलीय क्षेत्र से जुड़ी विविधता उसके लिए शब्द स्पोर्ट यूज करता है इतना याद रखना बस हॉट का क्या मतलब है देखो जो कहानी हॉटस्पोट में है वो समुद्री क्षेत्र के लिए होप स्पोर्ट में हॉट का मतलब ये होता है कि जैसे किसी क्षेत्र विशेष जो है कोई क्षेत्र विशेष है उसमें यदि स्थानीय प्रजातियां यानी लोकल स्पीसीज बहुत ज्यादा हो जैसे आरबीएससी में डेफिनेशन दिए पंद्रह सौ से ज्यादा तो देखो कौन से क्षेत्र को हम लोग हॉटस्पॉट बोलेंगे इस क्षेत्र विशेष में यदि पंद्रह से अधिक स्थानीय प्रजातियां होनी चाहिए यह याद रखना आपको क्योंकि पंद्रह सो से अधिक स्थानीय प्रजातियां एक बात दूसरी बात है कि क्षेत्र की 70 प्रतिशत से अधिक मूल प्रवास नष्ट हो चुका हो ये दो कंडीशन है याद रखना यदि किसी क्षेत्र को कब हम हॉटस्पॉट मानेंगे हम तब मानेंगे जब उस क्षेत्र में 1500 से अधिक स्थानीय प्रजातियां लोकल स्पीशीज की संख्या 1500 से ज्यादा हो और 70 uh? जो है वो नष्ट हो गई हो 70 प्रतिशत खत्म हो गई हो उसको हम लोग हॉटस्पॉट बोलते हैं दो ही कंडीशन याद रखनी है 1500 से ज्यादा हो स्थानीय प्रजातियों की संख्या और उनमें सेवेंटी 70 है वो नष्ट हो गई हो तो उसे कहते हैं हॉटस्पॉट याद रखना है लोग कुछ गर्म स्पॉट नहीं है एक ज्वालामुखी में भी होता है उसकी बात नहीं कर रहा है और खतरा उत्पन्न होना चाहिए चाहिए 1500 स्थानीय प्रजातियां होनी चाहिए और 70 मतलब प्रतिशत नष्ट हो गई हो तो उसे हॉटस्पॉट बोलेंगे ऐसे भारत के अंदर चार क्षेत्र है ठीक है और विश्व के अंदर ऐसे 36 क्षेत्र है 34 लिखा है यहां पर 36 है ऐसे टोटल एरियाज़। ध्यान रखना है ठीक है ना अब यहां पर नाम दिया हुआ है इनका सबका अपने को नाम याद करने की जरूरत नहीं है अपने को जो नाम याद करने की जरूरत है एक तो पूर्वी हिमालय को याद करने की जरूरत है तो एक तो यह इंडिया ईस्टर्न हिमालय पूर्वी हिमालय ये म्यांमार तक फैला हुआ है ईस्टर्न हिमालय इधर भूटान और नेपाल वाले क्षेत्र तक फैला हुआ है केवल इसका नेपाल का नाम लिखा है इसने तो, तो एक, एक हो गया इंडो बर्मा इंडिया एंड म्यांमार के अंदर फैला हुआ है दो और है कहीं लिखा होगा एक है संडा लैंड है तीन हो गया एक कहीं और होना चाहिए था वेस्टर्न घाट नहीं नहीं लिखा लिखा गया नाम नाम है है रटने की जरूरत आपको खैर ये लाभ बताता हूं। देखो भारत के अंदर चार बायो हॉटस्पॉट है इंडिया के अंदर चार हॉटस्पॉट है चार कौन कौन से है सर देखो मैं एरिया के हिसाब से बताता हूं पहला आप ध्यान रखो कि पहला हॉटस्पॉट घोषित भी मेरे को जितना ध्यान आ रहा है इसी को किया था वेस्टर्न घाट को यानी पश्चिमी घाट को यदि हॉटस्पॉट के एरिया या क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए जो क्षेत्र कवर करता है उसमें सबसे बड़ा है सबसे बड़ा हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट है वेस्टर्न घाट है सबसे बड़ा दूसरे नंबर पे ये आपके पास में दूसरे नंबर पे ये पूर्वी हिमालय एरिया के हिसाब से तीसरे नंबर जो है वो इंडो बर्मा है और चौथा नंबर जो इंडिया के क्षेत्रफल के हिसाब से बता रहा हूं इंडिया के क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा है वो सोंडालैंड है तो पहला वेस्टर्न घाट हो गया दूसरा पूर्वी हिमालय हो गया तीसरा इंडो बर्मा हो गया इसमें म्यांमार और इंडिया आ जाएगा और चौथा सुंडालैंड हो गया ये सुंडालैंड लास्ट दो हजार तेरह के अंदर इसे घोषित किया गया था मतलब सबसे नया यही है ये मलाया प्रायद्वीप मलेशिया वाला क्षेत्र है ना मलाया प्रायद्वीप का ही भाग है इसमें भारत का सिर्फ अंडमान और निकोबार वाला क्षेत्र आता है इंडिया का केवल एक ही क्षेत्र आता है वो है अंडमान एंड निकोबार अंडमान एंड निकोबार ना? ये याद रखना है कितने चार, चार ही वर्ड तो तो यूज कर पूरी तरीके से बात किया जाए तो वो भारत में तो वो दो ही है पूर्वी आपके पास में पूर्वी हिमालय पूर्वी हिमालय वाले का भी दूसरे जैसे भूटान है नेपाल का कुछ क्षेत्र है म्यामार का है है उसमें भी है। पूरी तरीके से भारत में देखा जाए जिसका सिर्फ भारत में केवल इंडिया वाले क्षेत्र में है, वो एक पश्चिमी घाट एक पूर्वी हिमालय टोटल कितने है चार एक पश्चिमी घाट सबसे बड़ा पूर्वी हिमालय दूसरा बड़ा तीसरा बर्मा और चौथा सुंडालैंड तो चार होता है जो जहां पर पंद्रह सौ से ज्यादा स्थानीय प्रजा, प्रजातियां या लोकल होती है और उनमें से सत्तर प्रतिशत नष्ट हो चुकी होती है इंडिया के अंदर ऐसे चार है एक वेस्टर्न घाट है पूर्वी हिमालय है उसके बाद इंडो वर्मा है और सुंडा लैंड है चार है टोटल याद रखना है यदि आपसे पूछ लेगी श्रीलंका किसका भाग है तो ओबीएस है कि इसी का भाग होगा क्लियर है नहीं यहां तक बात तो ये चार आपके पास हॉटस्पोट हो गए पश्चिमी घाट क्षेत्रफल के हिसाब से भी यहां आपको ये विस्तृत दिखेगा यह चौतीस है, है की बुक ही है ठीक है अब देखो पश्चिमी हॉटस्पॉट है पश्चिमी घाट का जो हॉटस्पॉट है वो कौन कौन से राज्यों में फैला है तो महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु एवं केरल में लगभग 1600 सो किलोमीटर याद करने की जरूरत नहीं है ये चार राज्य याद रहने चाहिए महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु एवं केरल पश्चिमी घाट का जो या पश्चिमी तट का जो हॉटस्पॉट है वो कौन कौन से राज्यों में विस्तृत है महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु एवं केरल ये बात लिखी हुई है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट उत्तर पश्चिमी भारत से भूटान में म्यांमार तक फैले हुए हैं बिल्कुल है ठीक है ना तो ये हो गए दो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लिखा हुआ है आरबीएससी के बुक में लिखा हुआ है दो मैंने आपको बता दिया अब एंडेजर्ड स्पीसीज को लेकर के भी कुछ बात है यानी संकटग्रस्त ग्रस्त प्रजातियों की बात है एंडेजर्ड स्पीसीज की बात है तो अपन उसमें चलते हैं, फिर आएंगे वापस यहां देखो एक संगठन है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस ये IUCN की फुल फॉर्म याद रखिएगा एक बात तो किस लिए नाम से क्लियर है अंतरराष्ट्रीय संगठन है किसके लिए कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के लिए बात ये ध्यान रखनी है कि ये केवल जंतु मतलब कि जीवों को ही संरक्षित करती है बाकी संसाधनों को नहीं करती है ये शायद आईएस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था तो ये जीवों को संरक्षित करने का काम करती है जीवों को संरक्षित करती है सभी संसाधनों को नहीं करती है केवल जीवों को संरक्षित करने का काम है इसका ठीक है ना यानी बायोटिक कंपोनेंट्स को तो इंटरनेशनल नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधनों से ऐसा लगता है कि सभी प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करती है बिल्कुल भी नहीं करती केवल जीवों को संरक्षित करने का काम करती है ये ये इसकी स्थापना 1948, 1948 में हुई थी मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है यह भी याद रखना है अब यह करती क्या है संस्थान इसका मुख्य उद्देश्य जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं संस्थानियां इसकी टोटल इसमें नो कैटेगरीज है टोटल नो श्रेणी हमें नो याद नहीं रखनी हमें तीन चार का ध्यान रखना है लेकिन इसमें टोटल नो कैटेगरीज है उसमें से जैसे तीन चार है जैसे एक्सटिंक्ट हो गया एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड हो गया क्रिटिकली हो गया ड हो गया है ना मेलरेबल हो गया ये चार पांच कैटेगरीज है जिनका आपको ध्यान रखना है देखो जैसे एक्सटिंक्ट हो गया ये कैटेगरीज है इनकी एक्सटिंक्ट हो गया यानी विलुप्त हो गया मतलब ऐसी प्रजातियां जो लगभग पिछले चालीस वर्ष से कहीं दिखी नहीं है उसे एक्सटिंक्ट मान लिया जाता है ना तो प्राकृतिक आवासों में और ना किसी कृत्रिम आवास में चिड़ियाघर उद्यान फलाना डेगड़ा कहीं पर भी नहीं है पिछले चालीस वर्षों से नजर ही नहीं आई है ऐसी प्रजाति को एक्सटिंक्ट या विलुप्त मान लिया जाता है अब उसके लिए तो कुछ प्रयास होंगे नहीं कुछ प्रयास किए नहीं जाएंगे तो ये एक्सटिंक्ट की श्रेणी में आती है दूसरी होती है प्राकृतिक आवासों, आवासों से विलुप्त का मतलब हो गया कि ऐसी प्रजातियां जो अपने नेचुरल हैबिटेट या प्राकृतिक आवास में नजर नहीं आती है अब उन्हें कुछ ऐसी प्रजातियां दो पांच दस बीस ऐसी संख्या बची है जिन्हें किसी चिड़ियाघर में या किसी और गार्डन में इस तरीके से मतलब उन्हें कृत्रिम तरीके से संरक्षित किया गया है यानी एक्सटिंक्ट फ्रॉम वाइल्ड हो गया या इन द वाइल्ड मतलब कि उनके प्राकृतिक आवासों के अंदर अब वो नजर नहीं आती है ये भी एक कैटेगरी है तो ये यहां पर बहुत कम इसको बच जाता है उनको उनके लिए कुछ करने को लेकिन अत्यधिक संकटग्रस्त है ये क्रिटिकली एंडेजर्ड है और ये एंडेजर्ड है और ये वल्रेबल है बाकी अपने को ध्यान ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है जो क्रिटिकली एंडेजर्ड है मतलब ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त के कगार पर है विलुप्त तो नहीं हुई है लेकिन कगार पर है मतलब क्या हो गया मतलब यह कि पिछले दस वर्षों में यह डाटा याद रखने की जरूरत है दस वर्षो में यह में नहीं दिया इसलिए बोलो दस वर्षों में नब्बे प्रतिशत प्रजातियां उसकी खत्म हो गई हो तो यह समझ लेना कि नब्बे प्रतिशत हो गई तो जल्दी यह तो एक्सटिंक्ट हो जाएगी विलुप्त हो जाएगी यानी ऐसी प्रजातियां जो जल्दी ही विलुप्त की श्रेणी में आ सकती है मतलब उनपे संकट या बहुत गहरा है जैसे पिछले दस, तो 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 पिछल दस वर्षों में नाइन्टी परसेंट तक प्रजातियां खत्म हुई कितना टाइम लगेगा आप दस परसेंट को संकट ग्रस्त है तो पिछले दस वर्षो मेंसेंट है वो खत्म हो गई है एंडेजर्ड हो जाएगा सुबेद यानी वल्नरेबल ध्यान नहीं दिया गया तो वो फिर एंडेजर्ड की कैटेगरी में आ जाएगी लगभग पचास प्रतिशत खत्म हो गई है और भी है ढाई सौ दो तरह के इनके अलग अलग मानक है उनको छोड़ दो तो कहने का मतलब है कि अत्यधिक संकटग्रस्त

मेरे हिसाब से गोडाउन भी क्रिटिकली एंडेजर्ड के अंदर ही आते हैं तो इस तरीके से ये है वो इस श्रेणी में आते हैं और जैसे डॉल्फिन वगैरह को मेरे हिसाब से एंडेजर्ड में आने चाहिए वो तो इस तरीके से क्रिटिकली एंडेजर्ड और एंडेजर्ड के अंदर इनको संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है तो ये जो आईयूसीएन है ये एक रेड डाटा बुक जारी करती है रेड डाटा बुक जारी करती है इस पर रेड या पिंक रेड या पिंक यानी लाल या गुलाबी और हरे पेजेस होते हैं पन्ने होते हैं ग्रीन तो जो कोई भी यदि संकटग्रस्त है क्रिटिकल एंडेजर्ड वगैरह है एंडेजर्ड है तो उनको इन पन्नों पर रखा जाता है यानी यानी इससे रेड और पिंक पर दर्शाया जाता है मतलब कि उनको खतरा है लेकिन जैसे ही उनका खतरा दूर हो जाता है संरक्षण से तो फिर उन्हें ग्रीन पे शिफ्ट कर दिया जाता है तो रेड और पिंक ये जो होते हैं ये खतरे के निशान है तो उसमें इस तरीके से रेड और पिंक पेजेस होते हैं मेली पिंक पेजेस ही होते हैं तो उसके लिए फिर रेड डाटा बुक वर्ड यूज किया जाता है ध्यान रखना इसमें इसमें जीवों को ही संरक्षित करने की बात है क्लियर है बात क्लियर होगी नहीं होगी बात क्लियर है यहां तक ये बात ध्यान रखनी है अब देखो ये ट्रैफिक वगैरह पे मैं पहले मैं आपको एक आरबीएस संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में कुछ लिखा हुआ है यहां पर ये वही एक तो फुल फॉरम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स ये ध्यान रखनी है एक रेड डाटा बुक है बताई दिया मैंने ये संख्या वंख्या याद नहीं रखनी ये संख्या आपसे याद नहीं होगी जरूरत नहीं है इसकी रेड डाटा बुक का ध्यान रखना है सर्वे में ये करा इसको ये करा वो मुश्किल काम हो जाएगा देखो एक ये चीज यहां पर दी हुई है पूछने को पूछ ले, लेकिन अब आपके लिए याद करना बहुत मुश्किल हो जाए कैसे भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा भारत में संकटग्रस्त पादपों की सूची तैयार की गई इस सूची में राजस्थान से गूगल जंगली गुलाब ये डाई, ये इस तरीके के जो वन है उनको इस तरीके की लिस्ट में शामिल किया गया है लेकिन वो अब आपसे इतने खतरनाक नाम में याद नहीं होंगे तो माता करनी नहीं देखो भारत के कुछ संकटग्रस्त पादपों के नाम निम्नलिखित है ये पादपों के नाम है ठीक है ना अब ये इसमें से कितने आपको याद रह जाए देख ले मुश्किल है ये याद रखना आपके लिए ये नंबर तो याद करने की जरूरत संख्या कहीं भी बहुत मेन होती है उसे याद करना ये देखो ये कुछ आपके पास में जो एंडेजर्ड है संकट ग्रस्त है उनके बारे में जानकारी जैसे टाइगर हो गया मगरमच्छ हो गया ये नाम तो आप देख सकते हैं आराम से गिद हो गया नील गाय हो गई तो वल्नरेबल में है मेरे हिसाब से लाल पांडा हो गया कछुआ है डॉल्फिन है ये मेरे हिसाब से में होनी चाहिए उड़ने वाली गिलेरी है इस तरीके की है तो ये नाम दिया है जंगली गदा है गुड़ावन है ये ध्यान रखना है आपको ठीक है ना ये आरबीएससी की बुक में नाम दिया विशेष क्षेत्रीय प्रजातियों में कुछ भी नहीं करना को। व्यापी अपने को विश्वव्यापी विविधता अपने सिलेबस में नहीं है संरक्षण राष्ट्रीय स्तर पर जो जैविधता ये अपने सिलेबस में है लेकिन कुछ काम की चीजें तो देख लेते हैं सांस्कृतिक विविधता भौगोलिक विविधता आवासीय विविधता जलवायु विविधता मध्यवर्ती खान पान की विविधता इससे कुछ करना आवासों का देखो ये किस कारण से जैव विविधता को नुकसान होता है आवासों का विनाश जैसे अत्यधिक पशुचारण शहरीकरण अपशिष्टों का निष्पादन बांधों का निर्माण कृषि का विस्तार जल संसाधनों का दोहन औद्योगिकरण खनन वनों की आग वन विनाश इनके कारण से जैव विविधता को नुकसान होता है तो अंडरस्टूड है मैं मान के चलता कि आप मेंस का पेपर लिखेंगे तो ये आपको पता है तो अब देखो अपन आते हैं वापस उसी अपनी लिस्ट पे ठीक है अब देखो

ट्रेड में क्या ट्रेड करोगे व्यापार में क्या करोगे जो ये जैव विविधता का जो समान होता है जीवों की विविधता जीवों का वही तो होता है किसी की खाल किसी का दांत किसी का कुछ और कुछ किस, किसी औषधि कुछ भी जा रहा हो जो तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उस पर निगरानी रखना किस लिए इसलिए निगरानी रखना कि कोई ऐसी प्रजाति जिस पर संकट हो कहीं उसका तो ट्रेड या व्यापार तो नहीं हो रहा है ना

वार्षिक गठन संगठन के नाम से भी जानते हैं तो उसके बैठक वार्षिक गठन के अंदर हुई थी तो 1973 एक आपके पास में ट्रैफिक फुल फॉर्म याद रखना ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन कॉमर्स इसकी जो ये जैसे ही साइट इंप्लीमेंट हुआ था उसके एक साल बाद 1976 में यह हुआ था इसका मुख्यालय यूके के, के कैम्रिज शहर में कैम्ब्रिज में तो याद रखना इसकी फुल फॉर्म ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन कॉमर्स वही काम है

कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी ये कहां से आया है ये भी याद रखना ये देन है आपके रियो समिट की रियो समिट के बारे में अभी अगले तीन चार दिन अपन पढ़ेंगे बार बार नाम आएगा रियो समिट को अर्थ समिट भी बोलते हैं रियो समिट को अर्थ समिट भी बोलते हैं अर्थ समिट और पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं पृथ्वी सम्मेलन तो रियो समिट यानी अर्थ समिट मतलब पृथ्वी सम्मेलन अब देखो ये हुआ था 1992 नाइनटी उन्नीस में, में ब्राजील के अंदर हुआ था और रियो शहर में हुआ था इसलिए इसे रियो समिट के रूप में जानते पृथ्वी को बचाना है एक ही जगह जीवन है इसलिए इसका नाम अर्थविश अर्थ समिट भी था ये जो समिट है इसमें बहुत सारी चीजों को ध्यान रखा गया था एक तो जैसे ग्लोबल वार्मिंग है उसके संबंध में भी बात हुई थी

अभी जो बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है वो बाईस मई को मनाया जाता है यदि आपको कोई भी दिवस याद रखना है एक भी दिवस याद रखना है तो ये याद रखना है कि जैव विविधता दिवस किस दिन आता है जैव विविधता दिवस बाईस मई को आता है बस ये कुछ भी एक भी यदि डे आपको याद करना है तो वो ये है कि 22 मई को जैव विविधता दिवस, 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 दिवस आता है इसके बाद सीबीडी जैसे अपने पास में ग्लोबल वार्मिंग है उसमें यूएन ट्रिपल यूएनएफ ट्रिपल सी है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जैसे उसकी कोप्स होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है वैसे ही कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी होती है सीबीडी भी सीबीडी जे विविधता के संरक्षण के लिए होती है उसके अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज हुए थे सारे कॉन्फ्रेंसेज याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत पुराने हो गए बीस पच्चीस साल कुछ का तो जन्म ही नहीं हुआ होगा तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है सीधा याद करो एक तो कार्टाजेनो प्रोटोकॉल आपके पास में सम्मेलन हुआ था कोलंबिया में हुआ था कोलंबिया का शहर है पर हुआ था ये 1999 में, में मेरे हिसाब से हुआ था और इसमें जो भी कहानी निकल करके आई वो 2000 में आई तो उन्नीस में या 2000 में से कोई भी ऑप्शन हो तो सही करना है तो 1999 2000 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी यानी सीओपी हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी उसमें कुछ निर्णय किया गया था जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए तो उद्देश्य सबको कि बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है तो लेकिन वो प्रभावी हुआ था दो में तो एक समझौता आपसे ये पूछ लेंगे कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है जैसे क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्लोबल वार्मिंग से है ना ग्रीन हाउस गैसेस से जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है तो वो आपके पास में ओजोन डिप्लीशन डिप्लेशन इसी तरीके से आपसे पूछा कि, कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है तो वो आपके पास जे विविधता से तो ये कार्टाजेना सम्मेलन जो है इसका संबंध किससे है तो ये बायोडाइवर्सिटी से है याद रखना है उन्नीस सौ निन्यानवे दो हजार में कोलंबिया में, में सम्मेलन हुआ था समझौता लागू हुआ दो हजार तीन में इसके बाद एक कॉन्फ्रेंस और हुआ था कॉन्फ्रेंस टेन हुआ था यह जापान में इसका नाम नहीं लिखा नगोया प्रोटोकॉल बोलते हैं नगोया प्रोटोकॉल बोलते हैं नगोया प्रोटोकॉल

इसके अंदर था कि एक तो जैव विविधता को संरक्षित करना है एक जो जैव विविधता से जो लाभ मिलता है कई बार कंपनियां और कुछ लोग ऐसे होते हैं या देश होते हैं जो कि उसका लाभ मूल समुदाय या मूल देश को नहीं मिल पाता है निर्यातक उसका फायदा उठाते हैं या आयातक उसका फायदा उठाते हैं तो उस कंडीशन में जैसे कि हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर कोई जैव विविधता है लो नीम है जैसे समझ लो तो उसका लाभ हम लोगों को ही मिलना चाहिए राजस्थान के निवासियों को यहाँ के समुदाय को मिलना चाहिए इस तरीके के प्रयास जो है वो इस नगोया प्रोटोकॉल के अंदर हुए थे तो इन्हें आईची टारगेट्स बोलते हैं आईची लक्ष्य बोलते हैं आईची लक्ष्य पांच कैटेगरी के, के अंदर ए बी सी डी इस तरीके से बंटे हुए थे वो बात पुरानी हो गई उतना ध्यान नहीं रखना है लेकिन आईची टारगेट्स का संबंध कहा किससे है जे से कहां पर है ये जापान के अंदर नगोया प्रोटोकॉल संबंध जय विविता से कहां पर हुआ था यह सम्मेलन जापान के अंदर कब की बात चल रही है ये सारी दो की इसमें शोर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स दोनों थे ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी दसवीं थी याद रखना इसके बाद और भी हुई है अपने राजस्व भारत में भी हुई थी ग्यारहवीं दो के अंदर हैदराबाद में याद रह जाए तो ठीक है ये तो कोई बात नहीं है नॉर्थ कोरिया के शहरों में हुई थी इतनी याद नहीं रहेगी अभी 2018 में जो हुई थी यदि मेरे को लो भी देखो दिमाग से निकल गई 2018 में इजिप्ट के अंदर हुई थी 2018 मेरे हिसाब से इजिप्ट के अंदर हुई थी नाम था शहर का कुछ अरे भूल गया इजिप्ट के अंदर हुई थी तो शहर का नाम कुछ है शेख ऐसा कुछ नाम है एकदम दो हजार अठारह के अंदर हुई थी तो लास्ट मीटिंग इसी की ये थी 2020 में होनी था आपको पता है कोरोना की वजह से नहीं इजिप्ट का कोई शहर है वहां पर हुई थी दिमाग से निकला मेरे तो ये हुई थी को लास्ट कॉन्फ्रेंस वही थी इसकी तो इतना याद नहीं रखना है लास्ट वाली इजिप्ट के अंदर थी नाम देख लीजिएगा उस शहर का नाम कुछ है सलाम था या कुछ और बोल रहा हूं मैं तो ये आपके पास में जैव विविधता के बारे में था एक जैव विविधता संरक्षण अधिनियम भी है ये सब मैं आपको राजस्थान वाले में पढ़ा चुका हूं जय विविधता संरक्षण अधिनियम ये हमारे पार्लियामेंट ने लागू किया था 2002 के अंदर जय विविधता संरक्षण अधिनियम और इसी के आधार पर राजस्थान के लिए कुछ जय विविधता संरक्षण नियम बने थे वो बने राजस्थान के लिए राजस्थान के लिए कह रहा हूं ये सब पढ़ा चुका हूं मैं पहले आपको जय विविधता संरक्षण नियम बने थे वो बने थे दो में और भी कुछ न... मैंने अधिनियम नियम बताए होंगे आपको वो पहले राजस्थान के लिए बता दी आपको तो यहां चर्चा हम दोबारा नहीं कर रहे तो ये ध्यान रखना है ठीक है क्लियर यहां तक हां आईसी टारगेट है हो अब देखो इसके बाद में आपको कोरल रीफ एंड वेटलैंड सी पढ़ा दूं क्या प्रवाल आद्र भूमिया मेग्रो वनस्पति ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा बीस मिनट में खत्म कर दूंगा आप कहोगे तो आप कहोगे नहीं सर इसमें नहीं तो मैं फिर एक सेशन और किसी दिन लूंगा और आप कहेंगे सर करवा दो तो निपटा देंगे बिल्कुल भी जैसे आपको एक सवा घंटा हुआ होगा डेढ़ घंटा मुश्किल से प्रवाल बीती कोरल रीफ्स फिर आद्र भूमि और मेग्रो वनस्पति तीन चीजें करवानी है रो दू क्या बस है रो दें क्या हाँ सरमल शेख है सरमल शेख है बिल्कुल मेरे को ध्यान आ गया शर्म शेख में हुआ बार तो देखो आ, कोरल रीफ एंड वेटलैंड देख लेते हैं पहले देखो कि प्रवाल टोट में समझा रहा हूं ध्यान रखना अच्छा ये मिट्टी का नहीं ऐसे कोरल क्या होते हैं जीव होते हैं परी के हिसाब से बता रहा हूं ध्यान रखना जीव होते हैं यानी पालिप जीव होते हैं छोटे छोटे और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं संवेदनशील होते हैं इनको निश्चित तापमान निश्चित लवणता और निश्चित प्रकाश चाहिए प्रकाश तो आ गया तापमान हो गया लवणता हो गया इसके अलावा पानी की शुद्ध जल चाहिए फ्रेश मीठा नहीं चाहिए पानी पानी नहीं, पानी मिठा नहीं चाहिए, लेकिन मतलब कि पोल्यूशन नहीं होना चाहिए अवसाद रहित कह लेते हैं अवसाद रहित मिठा पानी नहीं चाहिए अवसाद रहित चाहिए क्योंकि अवसाद होंगे तो, तो मर जाएंगे तो बहुत ही संवेदनशील होते हैं निश्चित तापमान निश्चित लवणता है ना ये चाहिए निश्चित प्रकाश इनको मिलते रहना चाहिए ये सब चीजें इनके लिए सेंसिटिव है बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होते हैं रहते कहा है तो समुद्र के अंदर जैसे मान लेते हैं कि ये आपके पास में एक है नहीं है और ये विश्व के जो समुद्र है उसका क्षेत्र है उसके एक परसेंट से भी कम भाग में ये फैले हुए हैं लेस देन वन परसेंट एरिया में ये फैले हुए हैं लेकिन लगभग पच्चीस प्रतिशत विविधता इन क्षेत्रों में रहती है पच्चीस प्रतिशत जैव विविधता इन क्षेत्रों में रहती है ट्वेंटी बायोडाइवर्सिटी इन क्षेत्रों में रहती है पच्चीस प्रतिशत विविधता तो इसका मतलब है कि और इन्हें वर्षा वन के रूप में जानते हैं ध्यान रखिएगा है। आपको लगेगा ये वर्षा वन कैसे है इनको बोलते हैं एक परसेंट से भी कम क्षेत्र में होते हैं पच्चीस प्रतिशत बायोडाइवर्सिटी रखते हैं छिछले पानी में होते हैं शेलो वाटर छिछले पानी में होंगे क्योंकि बहुत अधिक गहराई पे इन्हें प्रकाश नहीं मिलेगा छिछले जल में होते हैं बहुत गहराई पर क्या होगा प्रकाश नहीं मिलेगा तो तटीय क्षेत्र जैसे ऐसे है इन क्षेत्रों के ऐसे तटीय और तट के सारे इस तरीके से कुछ ये जीव डेवलप हो जाते हैं जिन्हें कोरल बोलते हैं पोलिप्स बोलते हैं ये छोटे छोटे बहुत ही सेंसिटिव संवेदनशील जीव होते हैं समुद्र में रहते हैं और इनको लिए लवणीय जल चाहिए मीठा जल नहीं होना चाहिए लवणीय जल चाहिए लवनीय जल इसलिए चाहिए इसमें जो सॉल्ट होता है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह उसका इनके चारों तरफ एक खोल बनता है मतलब वो संवेदनशील है लेकिन उनके ऊपर कवर हार्ड होता है तो इनके ऊपर एक खोल बनता है वो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का तो ये मिलेगा कहां से तो जल में लवणीय जल में ही होगा तो इन इसके अंदर रहता ही है तो ये जीव होते हैं और इनके साथ एक जुजेन जुजेंथैली जो होते हैं शेवाल कहलो पादब के लो वो होते हैं जुजेन जुजेंथैली याद जुजेन थैली ये इनको क्या करते हैं तो ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं जब ये प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस करेंगे तो भोजन बनाएंगे तो ये भोजन इन... में, में तो कोरल इन पॉलिप्स, को, पॉलिप्स को शोड़ में बता रहा हूं सारी बात याद रखना तो जुजेन थैली जो होते हैं ये इन्हें भोजन उपलब्ध कराते हैं और बदले में ये जो कोरल पॉलिप्स है आपके पास में हैं ये क्या करते हैं ये उनको आवास उपलब्ध कराते हैं मतलब इनको रहने के लिए कराते हैं। है? तो इनके लिए रहने के लिए रहने के लिए स्थान मिलेगा इनको तो इस तरीके से दोनों की आपस में सिंबायोटिक रिलेशन होता है सिंबायोटिक रिलेशन और सह संबंध मतलब आप मेरे को लाभ पहुंचाओ मैं आपको लाभ पहुंचा पीठ कुचलाओ मैं आपकी पेट कुचलाता हूं वो वाली बात है तो ये इस तरीके के सिंबायोटिक रिलेशन के अंदर रहते हैं कौन जो जैन और कोरल आपस में बहुत ही मतलब एक तरीके से सीमित सेंसिटिव संवेदनशील है तो देखो ये मूंगे हैं तो यह मेनलीष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय उपोषण कटिबंधीय क्षेत्रों में विकसित होंगे मुख्यतः जैसे 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से बियॉन्ड नहीं होंगे 30 डिग्री दोनों साइड जैसे आप देखोगे तो जैसे जीरो डिग्री है ये मेनली जो विकसित होता है तीस डिग्री नॉर्थ और तीस डिग्री साउथ तो मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में साढ़े तेईस डिग्री तक तो, तो उष्ण कटिबंधी है थोड़ा बहुत तो उपोषण कटिबंधी आ गया तो मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर ही होते हैं तो कभी भी पूछ ले आपसे बोले कि इनका विकास उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है तो ऐसे नहीं कि गलत है ठीक है तो पॉलिप्स होते हैं इनको जो तापमान चाहिए रिक्वायर्ड है वो यहीं पर मिलेगा लगभग इनको बीस से इक्कीस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए

तो जैसे मान लो कि यह समुद्री क्षेत्र है और यहां पर इसके तटीय क्षेत्र में ये विकसित हो रहे हैं तो इन्होंने क्या करा एक मान लो कि एक अपन कोरल ले लेते हैं उसने मान लो कि इस तरीके से बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का कवर बना रखा है तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण से इनका रंग सफेद होगा चुनना है चुनने के कारण इनका रंग कैसा होगा सफेद तो मूल रूप से कोरल सफेद होते हैं लेकिन यदि है, आप इन्हें देखने के लिए जाओगे तो ये हरे आपको नजर आएंगे ये मूल रूप से सफेद है लेकिन हरे नजर आएंगे

बहुत गहराई में नहीं रहेंगे क्योंकि इन्हें एक निश्चित तापमान चाहिए निश्चित लवणता चाहिए निश्चित इनको टेम्परेचर और ये पानी कहेंगे पानी की शुद्धता चाहिए ये भी समझ लो तो फ्रेश वाटर मतलब उस तरीके से अशुद्ध पानी नहीं होना चाहिए क्योंकि अशुद्ध पानी होगा तो इनका मुंह मंद हो जाता है और ये बहुत जल्दी मरते हैं तो इस सबसे बड़ा कारण है कि समुद्र वगैरह में जब पोल्यूशन फैलता है तो ये कोरल रिप्स वगैरह जो होते हैं इनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है क्यों पहुंचता है बताऊंगा अभी बात याद आ रही है क्या समझ में आ रही है ना आदि जनता तो सोने पे चली गई चल देखो तो मैंने बताया कि आपको कि थैली ये जी होते हैं हैंटिक रिलेशन में रहते हैं सॉरी कोरल जो होते हैं ये जी होते हैं जुजेन थैली इनको के साथ ये सिम्बॉटिक रिलेशन में रहते हैं ये इनको भोजन उपलब्ध कराते हैं ये उनको आवास उपलब्ध कराते हैं ये एक इनका एक संबंध होता है धीरे धीरे क्या करते हैं कि जैसे मान लो ये कोरल है ये, ये मर गया ये पॉलिव खत्म हो गया तो इस ये क्या है यहां पर चिपक जाएगा जब ये चिपका के इसके ऊपर दूसरा जो है कोरल मतलब दूसरा जीव डेवलप हो जाएगा उसके ऊपर भी चुनने की एक लेयर होगी फिर मान लो वो मर जाएगा तो उसके ऊपर फिर तीसरी लेयर बनेगी फिर उसके ऊपर वो मर जाएगा तो उसके ऊपर इस तरीके से लेयर बनती जाएगी बनते 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 इनकी साइज बहुत बड़ी हो जाती है तो साइज बड़ी होने के कारण से एक अवरोध उत्पन्न हो जाता है मतलब एक दीवार टाइप की बन जाती है इनके कारण से तो उसे रीफ बोल देते हैं यानी कोरल के धीरे 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 कोरल के कारण से उनके मरने के कारण से वहां पर एक अवरोध टाइप का उत्पन्न हो जाएगा उनके ऊपर नए डेवलप हो जाएंगे तो यह कैल्शियम कार्बोनेट से एक दीवार जैसी संरचना का निर्माण होता है उसे रीफ बोलते हैं तो यह कहलाती है कोरल रीफ याद रखना यह अब देखो तो कोरल रीफ है ये तीन प्रकार की होती है एक होती है ये तो बता दिया मैंने आपको देखो लवणता अच्छा याद रखना देखो लिखे ना सत्ताईस तीस ट्वेंटी सेवन से थर्टी से चाहिए तो वही तो मैं कह रहा था मेरे को दिमाग निकल रहा है कितनी चाहिए लवणता लवणता को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1000 में होती है। तो इतनी चाहिए टेम्परेचर लगभग बीस इक्कीस डिग्री सेल्सियस के आसपास चाहिए ध्यान रखना है और एक उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश का देखा जाए तो तीस डिग्री नॉर्थ और तीस डिग्री साउथ चाहिए इस तरीके का ये लवणता थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए तो कोई फर्क खास पड़ेगा लेकिन इनको पड़ेगा अपने को तो नहीं पड़ेगा अब देखो तीन तरह की होती है एक कोस्टल होती है कोरल रीफ होती है प्रवाल बीती तटीय एक कोस्टल होती है एक बेरियर कोरल कोरल रीफ होती है और एक अटॉल होती है एक अटॉल होती है तीन प्रकार की प्रवाल बीतियां होती है कोस्टल यानी तटीय एक बेरियर यानी अवरोधक और एक आपके पास में अटॉल अटॉल का मतलब एक तरीके से घोड़े की नाल जैसी देखो कैसे जैसे ये देख लो कि ये मान लो कि समुद्र है ये तटीय क्षेत्र मान लो ये इस तरीके से तट है ये मान लेते कि इधर समुद्र है इस इस तरीके से ये जो तट है इस तट के सारे विकसित हुई है तो धीरे धीरे ऐसे विकसित होती 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 ऐसे तट के सारे सारे इनका विकास हो जाएगा ऐसे तो हम इसे क्या बोल देते हैं तटीय प्रवाल नीति क्योंकि कोष्ट के सारे सारे हुए अधिकतर वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक ये तटीय प्रकार की प्रवाल नीति मिलती है विश्व में सर्वाधिक यही देखने को मिलती है भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की है भारत में सर्वाधिक इसी प्रकार की है भारत में भी सर्वाधिक इसी प्रकार की है इंडिया में सर्वाधिक किस प्रकार की है भारत में भी तटीय प्रकार की है जो आपके पास अवरोधक होती है वो कैसे होती है जैसे मान लो कि यह तट है अब क्या करता है ये इतनी विकसित होते 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 ऐसे इतनी इस तरीके से यह बन जाती है इतना लंबा हो गया तो क्या होगा कि अब ये जहाज वगैरह इधर से जा ही नहीं पाएंगे जैसे इस तरीके से अवरोध उत्पन्न कर देगी एक बैरियर क्रिएट कर देगी तो इस प्रकार की प्रवाल भित्ति को अवरोधक प्रवाल भित्ति बोलते हैं ये आप जैसे देखोगे सबसे बड़ी मिलेगी आपको ऑस्ट्रेलिया जैसे है ना आपके पास ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी जो तट है यहां पर लगभग तेईस किलोमीटर लंबी 2300 किलोमीटर तेईस किलोमीटर लंबी आपको एक यहां पर ग्रेट बैरियर रीफ मिलेगी पूछ लेगा ध्यान रखिएगा ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं इसको ऑस्ट्रेलिया के अंदर है तो ऐसी सबसे बड़ी प्रवाल भित्ती ग्रेट बैरियर रीफ है ग्रेट बेरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर है याद रखना ग्रेल ग्रेट बेरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर है पूर्वी तट पर है लगभग तेईसो किलोमीटर लंबी है टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड किलोमीटर लंबी है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल बीती अवरोधक प्रवाल बीती है तो यह इस तरीके की होती है अटोल का मतलब होता है कि जैसे इस तरीके से कोई आइलैंड वगैरह है इस तरीके से समझ लो जैसे मान लो कि कोई आइलैंड वगैरह ऐसे उसके चारों तरफ इस तरीके से यह विकसित हो जाती है ये देखो जैसे घोड़े की नाल होती है ना ऐसे घोड़े की नाल इस तरीके से इस तरीके से विकसित हो जाती है अटोल बोल देते हैं। जैसे लक्षद्वीप है अपना तो लक्षद्वीप के पास किस प्रकार की है तो अटोल टाइप की है और हमारा जो अंडमान निकोबार है ना ये ज्वालामुखी द्वीप है जबकि हमारा लक्षद्वीप है ना ये प्रवाल बीतियों से निर्मित है तो ये ध्यान रखना तो तीन तरह की एक तो तटीय होगी आपके पास में जो कोस्टल हो गई एक आपके पास ग्रेट बेरियर रीफ हो दिमाग में रखना बस आपसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पूछ रहा इनका एक अटोल होगी तीन टाइप की होगी भारत में सर्वाधिक कोस्टल टाइप की है और सबसे ज्यादा फेमस ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ग्रेट बेरियर रीफ है लक्षद्वीप पर अटोल टाइप की पाई जाती है बस इतनी बात याद रखनी है तो अब लास्ट में आप इतना ही समझ सकते हो तो मेरे हिसाब से और मैं आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं करता हूं पर छोटे लेगून वगैरह भी बन जाते हैं है ना प्रवाल बीतिया जो होती है थोड़ा सा भाग कट गया तो, तो उसे बोट चैनल वगैरह भी, भी बोलते घोड़े के नाल जैसी होती है प्रवाल बीती का महत्व तो इंपोर्टेंस क्या होता है देखो इंपोर्टेंस क्या होगा कि एक तो यह बायोडाइवर्सिटी विविधता के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट है पर्यटन की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है कई प्रकार के जैसे आभूषण वगैरह है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है महत्वपूर्ण तो होती है एक प्रतिशत क्षेत्र में लगभग विश्व की 25 प्रतिशत है जे आपको प्रवाल मतलब ये इन क्षेत्रों में नजर आ जाएगी तो ये सारी कहानी यहां पर लिखी है तो अब इतना अंडरस्टूड है देखो खाद्य पदार्थ के रूप में औषधियों के रूप में मूंगा पत्थर होता है ना उसके रूप में अन्य संसाधनों के रूप में इनका पर्यटकों को आकर्षित करने के रूप में स्थानीय लोगों के लिए समुदाय वगैरह के लिए आर्थिक अवसर उपलब्ध कराती है ठीक है भारत मैं बता ही दिया मैंने किस टाइप की होती नुकसान क्यों हो रहा है इसको देखो एलिनो के कारण से यानी प्राकृतिक कारणों से भी नुकसान हो सकता है एलनो के कारण है किसी प्रकार के चक्रवात आ रहे हैं ज्वालामुखी भूकंप आ रहे हैं यदि सागर की अमलता एसिडिटी ज्यादा बढ़ जाए उसके कारण से है है ना खाने वाले समुदाय कुछ समुदाय इसको खा भी जाते हैं कई रोगों के कारण से हो जाती है मानवीय कारण क्या है मछली पकड़ने की गलत तरीका है तटीय विकास है वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी है सबसे बड़ा चैलेंज इनके लिए वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी है उसको बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग कोरल ब्लीचिंग ये क्या होती है समझ लो पहले ये क्वेश्चन पूछ लेगा परवाल विरंजन बोलते हैं इसको कोरल ब्लीचिंग क्या होता है समझना देखो करें देखो जैसे हमारे पास यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यह समुद्र है और यहां पर परवाल विकसित है और यहां परवाल और जुजेन थैली सिंबायटिक रिलेशन में रह रहे, रहे हैं। जुजेन थैली भी है जुजेन थैली भी है और परवाल भी है दोनों है जो परवाल और जुजैन थैली है ये सिंबायटिक रिलेशन में है अब देखो प्रवाल विरंजन क्या होता है या कोरल ब्लीचिंग क्या होता है ये समुद्री पानी है ना जल इनका एक निश्चित तापमान होना चाहिए मैंने आपको बताया कि एक निश्चित टेम्परेचर रहना चाहिए बीस इक्कीस डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका पानी का तापमान रहना चाहिए लेकिन मान लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण से या वैश्विक तापमान के कारण से ग्लोबल वार्मिंग के कारण से यदि इस पानी का टेम्परेचर इंक्रीज करे यदि पानी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ये जो जुजेन थैली है इनका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो बहुत तेज हो जाएंगी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज हो जाएगी मतलब ये खाना तेज बनाने लगेंगे ऑक्सीजन वगैरह ज्यादा प्रोड्यूस करने लगेंगे तो ये जुजेंदैली वगैरह जीव है यानी मतलब इनकी गतिविधि ज्यादा बढ़ जाएगी तेज हो जाएगी जो तो कोरल रिप्स वगैरह है इनको भोजन कौन दे रहे हैं जुजेन थैली जितना जरूरत है उतना ही मिल रहा था ये इनको आवाज दे रखे थे अब ये समझ लो कि ये जुजेंदैली है इनके ऊपर इस टेम्परेचर का असर पड़ेगा पड़ेगा नहीं पड़ेगा जिसके कारण से मान लो कि इन्होंने स्पीड बढ़ा दी यदि इनको ज्यादा भोजन मिलने लगेगा या ज्यादा ऑक्सीजन मिलने लगेगी कोरल को ये ये कह रहे हैं कि कम चाहिए हो, ये फिर भी सप्लाई करेगा तो ईगो इंसान में थोड़ा ही होता केवल इनमें भी तो तो सकता है तो ये क्या करेंगे कि ये जो जुजैन थैली है इनको यहां से बाहर निकाल देंगे बाहर कर देंगे निकलो तो मेरी तुम्हारी जरूरत नहीं है मेरे गर्ज नहीं है जाओ ये जुजैन थैली यहाँ से निकल गए जब जुजैन थैली यहाँ से निकल गए तो अब इन कोरल जो पीछे जो गो के अंदर बैठे हैं एक तो इनको भोजन नहीं मिलेगा एक चीज दूसरी बात है कि इनका रंग जो था वो जुजेन थेली की वजह से था जुजेन थेली की से थैली रंग या कलर था तो वो रंग चला जाएगा इसका तो तो चीज गई आपके सफेद नहीं है तो मरेंगे जगह नहीं है और ये इसलिए मिल जाएंगे कि इनको ऑक्सीजन और भोजन नहीं मिल रहा है तो इसलिए जो सिंबायोटिक रिलेशन टूट जाता है टेंपरेचर इंक्रीज करने के कारण से तो ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ी दुश्मन होती है प्रवाल भित्तियों की कोरल रीफ्स की और इसी को टेंपरेचर बढ़ने के कारण से जो इनका रंग उड़ जाता है उसे ही कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन बोलते हैं ठीक है इसी को बोलते हैं याद रखना ये कहीं लिखा नहीं था कि लिखना तो चाहिए संरक्षण ये छोड़ो नेटवर्क पे देखो ये रहा प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग वैश्विक उष्णता के कारण यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रवाल भीती को सर्वाधिक क्षति हो रही है इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसी पढ़ाऊंगा क्लाइमेट चेंज में की रिपोर्ट के अनुसार 50 प्रतिशत अतिरिक्त ग्रीन हाउस गैसों का अवशोषण महासागरों द्वारा किया जाता है जिससे महासागरों के जल में तापमान में वृद्धि होती है तथा प्रवाल भीति के शैवाल नष्ट होते हैं इसमें शैवालों का रंग उड़ जाता है इसे ही कोरल ब्लीचिंग कहते हैं अब आ जाओ आद्र भूमि पे तो वेटलैंड भी समझा देता हूं फटाफट आपको मैं आपको बहुत शोट के अंदर चीजें बता रहा हूं लेकिन एग्जाम के लिए प्रलिम्स में काम हो जाएगा इससे ज्यादा जरूरत अपने को नहीं है आर्द्र भूमि का क्या मतलब है देखो वेटलैंड का ये मुख्यतः मान लो कि जैसे अपन कहने कि ये जो वेटलैंड का मतलब गीला यानी नम भूमि होती है नाम से ही क्लियर वेटलैंड मतलब नम भूमि गीला क्षेत्र होगा Normally, क्या होता है कि जैसे कोई जलीय क्षेत्र है और कोई स्थलीय क्षेत्र है स्थलीय क्षेत्र और कोई जलीय क्षेत्र इन दोनों के बीच का जो भाग होता है ना मुख्यतः इसके लिए वेटलैंड शब्द का प्रयोग किया जाता है यदि ऐसे भी नहीं समझ में आ रही है तो जैसे देखो कि एक तरफ जैसे ये इंडिया है और इसमें मान लेते हैं कि ये इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर स्थलीय भाग है तो ये जो तटीय क्षेत्र है ना ये वेटलैंड के रूप में है आर्द्र भूमि के रूप में माना जाएगा वेटलैंड के रूप में या जैसे मान लेते हैं कि कोई अंदर झील है लेक है उसके आसपास का क्षेत्र है ये वेटलैंड या आर्द्र भूमि के रूप में माना जाएगा तो वेटलैंड जरूरी नहीं है कि प्राकृतिक की हो कृत्रिम भी हो सकती है आद्र भूमि या प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों हो सकती है मान लो कि कृत्रिम रूप से किसी झील का निर्माण किया गया हो वो भी फिर आद्र भूमि में आ सकती है तो आर्द्र भूमिया प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों हो सकती है लेकिन यह दलदली क्षेत्र होता है यह ध्यान रखना है और ये जो दलदली क्षेत्र है यह जैव विविधता की दृष्टि से या बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है यह जैव विविधता की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन ये जो दलदली क्षेत्र या आर्द्र भूमि जो होती है वेटलैंड जो होती है किसकी दृष्टि से जैव विविधता की दृष्टि से या बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो जैसे एक झील है लेक है उस झील के आसपास क्या होगा बहुत सारा वनस्पति होगी वन होंगे तो वनस्पति होंगे तो बहुत सारे जीव जंतु होंगे होंगे कि नहीं होंगे तो वनस्पति और जीव जंतु होंगे तो जैव विविधता होगी कि नहीं होगी तो ये जो जैव विविधता है इसको कई बार नुकसान पहुंचा देते हैं मानव जनित कारण अपने स्वार्थ के कारण से हम अपने स्वार्थ के कारण से हम इसे नुकसान पहुंचा देते हैं जैसे क्या करेंगे आसपास किसी का खेत है वो चाहता है कि मैं इस झील का पूरा पानी अपने खेत में ले लूं मान लो लेक है तो क्या होगा यदि इसका पूरा पानी ले लोगे तो नष्ट दिक्कत हो जाएगी कई बार ऐसा होता है कि आसपास का खेत वाला सोचता है कि खेत की साइज बढ़ा तो उसके कारण से हो जाएगा या जो जैव विविधता जैसे वहां पर पादप वगैरह है समुदाय और वहां पर पादप समुदाय में कोई मान लो कि पेड़ पौधे वृक्ष है उनकी उपयोगिता ज्यादा है तो काट दो लालच में काट दिए तो वैसे नष्ट हो गए या वहां पर मान लो कि जो जन जीव जंतु रहते हैं उनकी उपयोगिता ज्यादा है तो उनको मार दो तो इस प्रकार से इसको नष्ट कर रहे हैं या जैसे मान लें कि अत्यधिक दोहन कर लिया हम लोगों ने इसका झील का वहां पर अपन ने खेत खेती कर ली तो अब अपने आप ही बाकी जो वनस्पति है जीव है वो नष्ट होने लगेंगे तो इस प्रकार के जो एरियाज जो जैव विविधता की दृष्टि से या बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें संरक्षित करना जरूरी होता है यानी उन्हें प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है समझ गए इसके संबंध में सबसे पहले नाइनटीन सेवनटी वन उन्नीस सौ इकहत्तर में ईरान के रामसर शहर में ईरान के रामसर शहर में सम्मेलन हुआ था इन्हें बचाने के लिए तब से कुछ गाइडलाइंस वगैरह बनी है इस तरह याद रखना है कि भारत के अंदर रामसर स्थल है और राजस्थान के अंदर दो रामसर स्थल है राजस्थान के अंदर एक ये पूछा इसमें क्वेश्चन एक तो सांबर है और एक केवला देव है मेरे हिसाब से सबसे पहला ये केवला देवी है तो एक तो आपके पास में सांबर और केवला देव राजस्थान के अंदर दो वेटलैंड्स है

तो ये बात दिमाग में रखनी है यानी वनस्पति में होती है। और कुछ दिया है क्या इसमें ये कहां कहां पर है देखो कहां कहां पर आपको मिलेगी तो देखो इसमें चार क्षेत्र आपको मिल जाएंगे दो फरवरी को रामसर वो, वो अद्र भूमि दिवस मनाया जाता है। दो फरवरी 1971 में ये हुआ था कंट्रीज इसमें शामिल है ठीक है सुंदरवन को भी ये छोड़ो इसको देखो राजस्थान के अंदर ये अंजलि नहीं है राजस्थान के अंदर केवला देव और शाम दो है ये थोड़ा सा वैसे आपको ये भी तो पता तो होना चाहिए कायदे से कि जैसे मान लो कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं राजस्थान में कौन कौन से हैं मणिपुर में त्रिपुरा में कौन से हैं लोकटक झील है ये भी एक आद्र भूमि है बित्रकणी का चिलका ये कहाँ पर है उड़ीसा के अंदर है असमुंडी कहाँ है केरल में भोज बोझ है, है? मध्य प्रदेश में जल सरोवर कहाँ है गुजरात में है सुंदरवन कहाँ पर है वेस्ट बंगाल में है ये पता तो होने चाहिए आपको तो। लेकिन नहीं है तो क्या कर सकते हैं तो ये आपको एक तो ये ध्यान रखना है ठीक तो है तो भारत में बता दिया मैंने कितना है बयालीस है अब देखो एक मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड होता है ये क्या होता है ये भी ध्यान रखना रिकॉर्ड का संबंध किससे आद्र भूमियों से क्या होता है मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड ये इसलिए आया था कि मान लो कि कोई राम कोई स्थल है मान लो कि वेटलैंड है और उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है जैसे अपना केवला देव है यहां पर यहां की आर्द्र भूमि को इसलिए नुकसान हो रहा था मान लो कि जैसे कि पानी वगैरह की इस तरह की कमी के कारण से यहां की यहां पर संकट उत्पन्न हो गया था तो इसके कारण से फिर उसे मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड यानी उसमें डाल दिया जाता है उसके बाद उसे संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है जैसे ही मान लो एक बार उसका संरक्षण हो गया फिर देखो यहां से नहर वगैरह से पानी लाया गया सेवला देव वगैरह में तो यदि एक बार उसका संरक्षण हो जाता है प्रोटेक्शन हो जाता है तो फिर उसे उस रिकॉर्ड से बाहर निकाल देते हैं तो ऐसे दो है एक तो केवला देव को ही शामिल राजस्थान का तो एक ही है संभ्र को नहीं डाला गया था केवला देव को डाला गया था इसमें केवला देव राजस्थान और लोकटन लोकटकशील मणिपुर जो केवला देव वाला है इसमें पानी की समस्या उत्पन्न हो गई थी ठीक है मेग्रोवन अब मेग्रोवन बता दो ये चिल्का झील भी इसमें डाली गई थी उसको निकाल दिया गया तो अभी ये दो ही हैं चिल्का झील को भी इसमें डाला गया था लिखा नहीं है ना लेकिन उसको निकाल दिया गया था इसलिए नहीं लिखा लेकिन ये केवला देव आदर भूमि लोक तक ये दो है ध्यान अब मेग्रो बता दू आप लास्ट बच्चा अच्छा फोर्टी हो गया क्या हाँ चार बढ़ गए तो फोर्टी कर लो ठीक है छियालीस हो गया ना मैंने कह रहा हूं, ये नंबर चेंज होता रहता बस तो मैंने ये फरवरी मार्च तक का देखा मैंने एक बुक का मार्च का एडिशन था तो मैंने सोचा वही होगा मैंने गूगल करा नहीं इसके लिए तो तो हो गया ठीक ठीक है है तो वनस्पति की बात करते हैं आप अपडेट रहते हैं अच्छी बात है तो छियालीस हो गया तो अब ये छियालीस तो सारे तो आपको याद नहीं होंगे लेकिन ये राजस्थान के जरूर याद रहे मेग्रो वनस्पति की बात करते हैं देखो ये क्या होते हैं जैसे जो तटीय मुख्यतः इनकी बात वेग्रो वनस्पति की बात हो ना तो एक तो मुख्यतः ये उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल एरियाज और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होते हैं उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में एक बात दूसरी बात ये है उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय के मुख्यतः ये तटीय क्षेत्रों में होते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि तटीय क्षेत्रों में ही हो मुख्यत कोस्टल एरियाज में है लेकिन कोई कंपल्सन नहीं है ऐसे यदि हो लिखा हो कि मेग्रो वनस्पति का विकास मुख्यतः तटीय क्षेत्रों में होता है ठीक बात है लेकिन केवल तटीय क्षेत्रों में विकसित हो सकती है गलत बात है आंतरिक भागों में विकसित हो सकती है अधिक क्योंकि तटीय क्षेत्रों में होती है तो अधिकतर यह लवणीय जल में होती है आपसे पूछ ले कि इनका विकास लवणीय जल में होता है तो ठीक बात है केवल लवणीय जल में होता है तो गलत है इनका विकास लवणीय जल में होता है ऐसे करके लिखते तो है। होता है क्या दिक्कत है? है, है।, है, तो है, है जैसे आप देखोगे कि आपके पास प्रवाल थे परवाल बीतियां थी वो केवल लवणीय जल में ही हो सकती है वो फ्रेश वाटर मिठे पानी में नहीं हो सकती लेकिन ये हो सकती है हाँ ये जरूर है कि मैग्रो वनस्पति का विकास लवनीय जल में ज्यादा होता है मिठे पानी में कम होता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है और मिठे पानी में भी हो सकती है परवाल भीतियों की जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन हाँ अधिकतर ये लवनीय जल में ही होती है उषण कटिबंधीय उपोषण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर होती है दो तीन बातें ध्यान रखनी बस एक तो ये राज्य इंडिया में कहा होती है उसका जैसे देखो जैसे ये होती कैसे है, देखो जैसे सबसे ज्यादा आपको ये सुंदरबन डेल्टा वाला जो रीजन है वहां पर मिलेगी आपको सुंदरबन डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा जो नाम पड़ा है ना सुंदरबन वो मेग्रो वनस्पति के कारण से ही पड़ा है सुंदरी नाम की एक वनस्पति होती है मेग्रो वनस्पति उसी के कारण से ये जो सुंदरबन डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा उसी का नाम पड़ा ही सुंदरी नामक मेग्रो वनस्पति के कारण से कोई सुंदर है ऐसा नहीं है बल्कि सुंदरी नाम की एक मेग्रो वनस्पति पाई जाती है पर उसके कारण से पड़ा है भारत में सर्वाधिक वनस्पति का विकास सुंदरबन डेल्टा वाले क्षेत्र में दिखेगा इसमें होता क्या है कि एक पेड़ है तो उसके हजारों जड़ें होती है जैसे एक पेड़ है मान लो ये उसके हजारों जड़ें हो जाती है अब ये हजारों जड़ें क्यों होती है सर इस तरीके से इनके हजारों जड़ें होती है और ये अच्छा पहली बात तो कि हजारों जड़े इतनी जड़े किसी पेड़ में नहीं होती इनमें क्यों होती है हजारों जड़े इनमें क्यों होती है तटीय क्षेत्रों में होती है लेकिन हजारों जड़े क्यों होती है हजारों जड़े होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि एक तो ये अस्थिर जल में होती है यहां पर तटीय क्षेत्रों में स्थिर जल थोड़ा ही होता है या स्थल भूमि थोड़ी तो है अस्थिर भूमि है मतलब कि कंटिन्यूअसली नदियों का पानी आ रहा है ज्वार आ रहा है भाटा आ रहा है उसके कारण से अस्थिर होता है ये जल ऐसी तो जलों के जल के अंदर यह विकसित होती है इसलिए जड़ें ज्यादा होगी तभी ये स्टेबिलिटी पाएगी नहीं तो पाएगी नहीं तो हजारों जड़ें होती है एक बात दूसरी बात ये होती है कि ये जड़ें जो है ये ऊपर की तरफ निकलती है ऐसे यानी ये जैसे नॉर्मली जड़े नीचे की तरफ जाती है कोई भी पेड़ है मान लो गैसे तो उसकी जड़ें नीचे की तरफ जाएगी ऐसे गुरुत्वाकर्षण का पालन करती है लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण बल का पालन नहीं करती है गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत विकसित होकर के ऊपर की तरफ आती है ऊपर की तरफ क्यों आएगी क्योंकि जैसे ये जो जल है ये बहुत ज्यादा कीचड़ मतलब दलदली है और यहां पर दलदली होता है तटीय क्षेत्र दलदली होता है तो बहुत ज्यादा अशुद्धियां वगैरह होती है मतलब अशुद्ध जल में विकसित हो सकती है परवाल भीतियां अशुद्ध जल में विकसित नहीं हो सकती है अशुद्ध जल में भी हो सकती है तो ये जो जड़े हैं ये एक तरीके से ऑक्सीजन का काम करती है ऑक्सीजन जो लेना है वो यहां से लेगी अरे इनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना तो ये इनकी जड़ों से ऑक्सीजन लिया जाता है तो ये ऑक्सीजन लेने का काम करती है जड़ें तो इस तरीके से ये ग्रेविटेशन फोर्स के बाहर के विपरीत बाहर निकल जाती है इन्हें न्यूमेटो फोर्स जड़े बोलते हैं इन्हें न्यूमेटो फोर्स जड़े बोलते हैं ध्यान रखना इन्हें न्यूमेटो फोर्स जड़े बोलते हैं याद रखना न्यूमेटो फोर्स न्यूमेटो फोर्स जड़े होती है एक ही पेड़ पे हजारों जड़े होती है क्यों होती है स्त्री जल में होती है और ये समझ लो आपकी लवणीय जल ले सकती है लवणीय जल लेती लवणता इनको ज्यादा परेशान नहीं करती लेकिन मान लो कि यदि पानी में ज्यादा लवणता हो तो ये जरूरी नहीं है कि पूरा उतनी लवणता ले कम मात्रा में लवणता लेने में यानी उस लवणता का कुछ भाग अलग करने में सक्षम है और एक बार यदि इसने लवणता ली उसके बाद वाष्पीकरण वगैरह हुआ तो उससे ये पानी को शुद्ध भी करती है यानी पानी के शुद्धिकरण में भी इनकी भूमिका है दूसरी बात है कि ये जो तटीय क्षेत्र होता है इस तटीय क्षेत्र में जैसे बहुत सारे बाढ़ वगैरह आते हैं ज्वार आते हैं भाटा आते हैं कई प्रकार के चक्रवात आते हैं उसके कारण से तटीय क्षेत्रों पर कई मतलब एक तरीके से आपदाएं जो आती है उनमें संरक्षण करने का काम करती है क्योंकि इनकी जड़ें बहुत मजबूत होती है एक बार आईएस में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि मैग्रो वनस्पति की का महत्व बताओ तो इसमें इंपोर्टेंस ये आपको बताना है मेंस में भी पूछा गया दो में प्री में दो हजार में पूछा गया था तो यहां पर इसका सबसे बड़ा इंपोर्टेंस ये बताना है कि तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा करने में विशेष भूमिका होती है दूसरी चीज है कि बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होती है बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण होती है इसलिए कि जैसे ये कई जैसे जीव होते हैं उन्हें प्रजनन के लिए जगह चाहिए होती है तो यहां पर आराम से प्रजनन कर सकते हैं आवास चाहिए होता है यहां पर आराम से उनको आवास उपलब्ध हो जाता है तो ये सब के कारण से ये जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पानी को शुद्ध करने में भूमिका है तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा में भी भूमिका है और ये भारत के तटीय क्षेत्र में सभी इस सब जगह इस तरीके से यहां से कच्छ से लेकर के यहां तक ये सब जगह करीब करीब दिखती है तो कोई ऐसे पर्टिकुलर ये याद रखने की जरूरत नहीं कि यहीं पे ये पूरा कोस्टल एरिया है यहां पर आपको ये मैग्रो वनस्पति दिख जाएंगी लेकिन सर्वाधिक कांड पर दिखेगी तो सुंदरबन डेल्टा वाले रीजन में दिखेंगी समझ गया क्या अरे बात तो समझ गया ना ये याद रखना है आपको और कोई बात है देखो मेग्रो सामान्यतः वृक्ष जो जोषण कटिबंधीय उपोषण कटिबंधीय तटो ज्वार ज्वार होता है कटाफटा कटाफट पश्चल लेगुन एवं पंख जमाव वालों क्षेत्र मतलब तटीय क्षेत्रों में विकसित होती है पुर्तगाली शब्द है फलाना है क्या करना है मेग्रो वनों का सर्वे प्रथम उद्गम भारत के मल्य क्षेत्र में हुआ यह तो कहानी है आज भी इस क्षेत्र में विश्व की है इन तीन चार प्रकार भी होते हैं मेग्रोव प्रजातियां बहुत अधिक सहनशील होती है देखो प्रतिदिन खारे पानी के बहाव को झेलती है मेग्रोव पौधे अस्थिर भूमि में उगते हैं इनकी विलक्षण जड़ें होती है न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं स्थायित्व प्रदान में तेज बहाव और तूफानी में भी मजबूती से खड़ी रहती है शोषण में सहायता है ना मेग्रोव की विशेषता देखो मेग्रोव पौधों में विशेष जड़ों का विकास होता है न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं इनको याद रखना ये बता दिया मैंने आपको अलग अलग प्रजातियां भी ध्यान रखना है देखो इनकी देखो देखो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत विकसित होती है जहां पर ये विकसित होते हैं वहां ऑक्सीजन की कमी रहती है तो जड़े बाहर निकल के ऑक्सीजन लेती है लाल मेग्रोव ध्यान रखना इसका एक प्रकार है काली मेग्रोव इसका प्रकार है याद रखना सफेद लाल काली सपेद्रो इसका प्रकार है और बटोनवुड मेग्रो भी इसका प्रकार है टाइप है ठीक है ना याद रखना है देखो भारत में किन किन क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल में सुंदरवन में उड़ीसा में देखो महानदी का स्वर्ण रेखा तो इस तरीके से याद करने की जरूरत नहीं है मैंने आपको एक बार बता दिया ना आपको गुजरात में कच्छ की खाड़ी खंभात की खाड़ी यहां से लेकर के पूरे तटीय क्षेत्र में विकसित हुई हुई होती है समझ गया आई नहीं है यहाँ तो मेग्रो प्राणी जात समझ गए ये छोड़ो भोजन का स्रोत है जल शोधक ये समझ जाओगे आप बस खत्म हुई इतनी बातें दोस्तों तो फटाफट मैंने देखो दो घंटे भी नहीं लगाए शायद ऐसे तीन चार पांच घंटे की चीजें हैं लेकिन आपको दो घंटे में आपको एक्सप्लेन कर दी मैंने सारी चीजें समाप्त हो गई ना बात चलो यही रहने दे तीन चार दिन और लगेंगे खत्म कर देंगे इनको कुछ भी ऐसा इशू नहीं है क्या है रे हाँ पीडीएम मिल जाएगी आ, कुछ ये अपडेट कर लेना जैसे इसमें कोरल मैं डाल तो दूंगा लेकिन जैसे वो आपके पास में वेटलैंड सादर भूमिया वगैरह ऐसा ही इसमें सैंतीस छत्तीस कुछ मेन्शेंट है तो वो अपडेशन कर लेना कि फोर्टी सिक्स हो गई है राइट ठीक बोड़ है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ठोलिया टेन कोड यूज करके आप एनरोल कर सकते हैं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है वन ईयर का जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है वो सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड है और टू ईयर का जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है वो सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी है तो टेस्ट दे रहे हैं ना आप या नहीं दे रहे टेस्ट का ज्यादा टाइम नहीं एक डेढ़ घंटा निकालिए करो दो घंटे निकालिए मैक्सिमम बाकी खूब रिविजन करो खूब रिविजन करना है करंट अफेयर्स का करंट अफेयर्स क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ठीक है ए, मेरी एक कोशिश और भी है कि मैं ना जो चार महीने पिछले की ए, मेरी कोशिश है मेरे को कितना टाइम मिलेगा उस हिसाब से उसमें मैं आपको सूजस में टिक लगा के दूंगी आप ये पढ़ लो लेकिन आप अपने हिसाब से करते रहो या मैं बोलता हूँ इसमें से मैं कितना कर पाऊंगा ये एक बात है तो ये आपको करना है टेस्ट में आपको भेज ही रहा हूँ वो आपको देने हैं मूल्यांकन करना है खुद का निराश नहीं होना है अच्छा करोगे आप जो पढ़ाया है मैंने इतना डिटेल से आपको चीजें पढ़ाई है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उतनी चीजें कवर कराई है यदि आप उतना कर लें तो दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती ये गारंटी है समझ लो ठीक है ना यह ध्यान रखना इकोनॉमिक एको, एको, सर्वे है उसको बार बार रिवाइज करना है अब नई चीजें बहुत ज्यादा फैलाव नहीं करना है नई चीजें नहीं अभी आपको टारगेटेड एरिया आपको फोकस करना है राइट सर इसके नोट्स मिल गए दो तीन दिन का मेरे को टाइम दो इंडियन आर्ट एंड कल्चर का और मिल जाएगा आपको हैंड रिटन मिडाइवल और एंशंट का तो आपको दो तीन दिन मिल जाएगा फिर दो तीन एक दो तीन दिन बाद में आपको मिडाइवल का भी मिल जाएगा जितना आपने प्लस पे करा था ना बिकीस बाईस लेक्चर उसका हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा इतना ही हो पाएगा आदमी कितना लिखेगा ये बात है ना तो पॉलिटी मिल गया था आपको सबसे बड़ी बात है कि साइंस का मिल गया था तो आप फटाफट कभी भी वीडियो देख सकते हैं और फिर कर सकते हैं ट्वेल्थ वाला ही जो आपको भेजा है ना मैंने उनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस वहाँ से मिलेंगे आपको तो ट्वेल्थ वाला जो मैंने भेजा है उसको जरूर देख लीजिएगा ट्वेल्थ और टेंथ वाला तो देख ही लो टेंथ में साइंस है और ट्वेल्थ के अंदर बायोटेक्नोलॉजी है तो ये दो जरूर देख लेना बाकी आप नहीं देखते हो सिक्स सेवन एट नाइन भी नहीं देखते तो टेंथ और ट्वेल्थ जरूर देख ले और तो ट्वेल्थ में भी बायोटेक वाला फिजिक्स वाला नहीं भी देखोगे तो चलेगा एक आधा क्वेश्चन तो आएगा फिर भी ठीक है चलो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू